पोपट जे रंगन जिया खूबसूरत प्रोग्राम सलाम सिंध जय में हुंदा अवां जा मन घुरिया मेहमान इन प्रोग्राम में हुंदा कुछ खास मेहमान जिन सा तहां लाइव कॉल से जरिए गलाए सको ता आए उन सा गडो कर हुंदियूं आजकल जे फैशन जो गालियूं हेल्थ टिप्स आए मौसीकी जी महफिल सुबह साजिर सिंध टीवी जे बेहतरीन आए सरमोड़ प्रोग्राम सलाम सिंध सा गड मां तवां जी मेज़बान सहर शहरिजवी सलाम सिंध में मां हुंदस तहां सा गड मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 वगे का 11 वगे तक तो पोए निसरण न विसारींदा सलाम सिंध बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी प्यारा मानू के सिंध वासिन के डे पर डे में जेके मानू असा के दिसन पे उन सभी के तानी पंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में ताके वेलकम चाहू ता मां सहर शरजवी आज सभी हर गदयु आ इयो बताके बुदाइनालु आज जेके तारीख है वो 15 जमादुल अव्वल है आ 2 फरवरी है ऐं जुमे जो भलारो ॾींहुं आहे प्यारो ॾींहुं आहे जुमे जे ॾींहुं हूं बि जॾहिं जुमे जो ॾींहुं ईंदो आहे त उन ॾींहं जे हवाले सां असां इलाही जेके कॉन्शियस थी वेंदा आहियूं इलाही जेके रुटीन खां हटी करे जेके शयूं आहिनि उहे कंदा पिया आहियूं असां मुसलमान स्पेशली ऐं ॿिया बि जेके माण्हू आहिनि उहे अॼु जो ॾींहुं हाफ डे आहे त हाफ डे जे हवाले सां जेके ॿार आहिनि उहे बि पंहिंजे पर में ख़ुशि हूंदा आहिनि की अॼु अधु ॾींहुं आहे स्कूल खां पोइ उन्हनि खे जल्दी मोकल मिलंदी आहे पोइ रांदियूं कंदा आहिनि जनरली जेका रुटीन लाइफ उन्हनि जी हूंदी आहे उन खां थोरो हटी करे अॼु जो जेको ॾींहुं असां सेलिब्रेट कंदा आहियूं ऐं ॾाढो सुठो तव्हांखे फील थींदो आहे मूंखे ॾाढो सुठो स्पेशली फील थींदो आहे जॾहिं तव्हां ॿाहिरि निकिरो ऐं सुबुह सुबुह ॿार जेके आहिनि उहे स्कूल वञनि था उन्हनि खे ॾिसी ॾाढो सुठो तव्हांखे फील थींदो आहे उन खां अलावा जेको जॾहिं वापसि असां वेंदा आहियूं या स्कूल खां वापसी जेको टाइम हूंदो उन टाइम वरी नमाज़ जो टाइम थींदो आहे त माण्हू इलाही हुजूम गॾु हूंदो आहे सुठो तव्हांखे इन टाइम इन सेंस में बि लॻंदो आहे की असां सभु गॾु हूंदा आहियूं ऐं इन सेंस में बि ॾाढो सुठो लॻंदो आहे की तव्हां जेके बि तव्हांजे रुटीन जा जेके अमल आहिनि तव्हांजे रुटीन जी जेके शयूं आहिनि तव्हां सभु गॾिजी करियो था त इहा शइ तव्हांजी जेका यूनिटी आहे उनखे बि डिफाइन करे थी तव्हांजी जेका मोहबत आहे उनखे बि डिफाइन करे थी सुठो लॻंदो आहे अहसासु जेको आहे उहो क्रिएट थींदो आहे सोसाइटी में जॾहिं असां सभु गॾिजी करे को अमल करियूं या गॾिजी करे पाण में गॾु रहूं इतिहाद सां रहूं या उहा मां चवां थी त उहा को बि फंक्शन हुजे को बि फेस्टिवल हुजे जॾहिं असां सेलिब्रेट करियूं था जॾहिं असां गॾु हूंदा आहियूं त उहा ॾाढी ख़ुशी जो लम्हा हूंदा आहिनि उहा ॾाढी सुठी शयूं हूंदियूं आहिनि असांखे पंहिंजी जेको रुटीन आहे उनखे सेलिब्रेट करणु घुरिजे ज़िंदगी जेका आहे उनखे मल्हाइणु घुरिजे ऐं असां जॾहिं पाण सां हिक ॿिए सां गॾिजी करे सेलिब्रेट कंदा आहियूं शयुनि खे ऐं सेलिब्रेट करण सां मुंहिंजो मक़सदु आहे मुंहिंजी मुराद आहे की असां को बि फेस्टिवल हुजे भले उहो असां हिंदू बरादरी वारनि जो हुजे भले उहो असांजो हुजे ईद हुजे दिवाली हुजे जॾहिं गॾिजी करे सेलिब्रेट कंदा आहियूं त उनजो अञा वधीक मज़ो ईंदो आहे अञा वधीक तव्हां उनखे इंजॉय बि कंदा आहियो ऐं तव्हां डिफाइन बि कंदा आहियो की असां में हेतिरो अहसासु आहे असां में मोहबत जेका आहे उहा हेतिरी घणी आहे ऐं असां में तफ़रीक़ न आहे असां में जेको फ़र्क़ु आहे उहो न आहे मोहबत जेका आहे उहा इलाही घणी आहे त इहा हिकिड़ी सुठी शइ आहे असांखे इहे जेके शयूं आहिनि इहे करणु घुरिजनि असां में अहसासु जेको आहे उहो नंढे लेवल खां वॾे लेवल ताईं जेके ॿार आहिनि उहे बि ॾिसनि था की असांजा जेके पेरेंट्स आहिनि असांजा जेके वॾा आहिनि उहे ई गॾिजी रहनि था त उन्हनि में जेका नफ़रत वारो या हसद वारो जेको मादो उहो ख़तमु थो थी वञे ऐं उते उन्हनि जी तरबियत शुरू थी थी वञे की हा असांखे बि गॾिजी रहणु घुरिजे असांखे बि जेके अमल आहिनि उहे गॾिजी करणु घुरिजनि जुमे जी ज़िक्र मां कयमि त अॼु जे ॾींहुं असां कसरत सां दुरूद शरीफ़ पढ़ंदा आहियूं दुरूद शरीफ़ पढ़ंदा कयो इन सां गॾु जेके नंढा ॿार आहिनि उन्हनि खे बि तव्हां ताईद कंदा कयो की पढ़णु छो त जॾहिं बि असां पढ़ंदा आहियूं त असांजी दुआऊं क़बूल थींदियूं आहिनि ऐं अफ़ज़ल तरीन इबादत आहे दुरूद शरीफ़ त हू बि असांखे पढ़णु घुरिजे ऐं ॿारनि खे स्पेशली सेखारींदा कयो ॿुधाईंदा कयो रीज़न के को बि ॾींहुं सेलिब्रेट करियूं था उनजो रीज़न ॿुधाईंदा कयो की छो असां इहो ॾींहुं जेको आहे उहो मल्हायूं था जीअं महिराज जो या मुख़्तलिफ़ ॿिया बि इलाही सारा इवेंट्स आहिनि या शयूं आहिनि ॿारनि खे जॾहिं तव्हां ॿुधाईंदा तॾहिं उन्हनि खे ख़बर पवंदी की इन जो पोयां जेका बेस आहे पोयां जेको रीज़न आहे उहो छा आहे त रीज़न ऐं अनरीज़न तमामु घणा ज़रूरी हूंदा आहिनि ऐं इते टाइम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो थियो ब्रेक खां बाद इनशाला असां सिहत जे हवाले सां अॼु गुफ़्तगु कंदासीं सिहत जे हवाले सां घणो ॻाल्हाईंदासीं ऐं सुठियूं पर्सनैलिटीज़ असां गॾु मौजूदु हूंदो डॉक्टर साहिबान हूंदा जिन्हनि सां असां गाइडेंस वठंदासीं जिन्हनि खां ऐं तव्हां बि लाइव कॉल्स करे पंहिंजा जेके प्रॉब्लम्स आहिनि पंहिंजा मसला आहिनि क्यूरीज़ आहिनि उहे शेयर करे सघो था उनजो जेको हल आहे तव्हांखे घर वेठे मिले थो असांजी इहा ई कोशिशि हूंदी आहे की असां अहिड़ा प्रोग्राम्स कयूं जेके असांजे लाइ असां सभिनि जे लाइ उहे फ़ाइदेमंद हुजनि इनशाला अॼु जो प्रोग्राम बि सुठो थींदो ऐं असां सां गॾु रहिजो ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध
भली कार चंदासीं हिकु दफ़ा ॿीहर तव्हां सभिनि प्यारनि माण्हुनि खे ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त असां जे अॼु जे प्रोग्राम खे नेस्ले एवरी डे वारनि तावन कयो आहे। नेस्ले एवरी डे वारनि जी जेका चांहि आहे असां ॾाढी शौक़ सां सभु पीअंदा आहियूं। हर ॾह मां नओं पाकिस्तानी जेके आहिनि उहे नेस्ले एवरी डे खे ॾाढी शौक़ सां पीअंदा आहिनि ऐं ॾाढो पसंदि कंदा आहियूं। इहो बि तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त नेस्ले एवरी डे वारनि जेको लास्ट डेज़ में जेको कॉम्पिटिशन करायो हुओ, अहिड़ो ज़बरदस्तु अहिड़ो कमाल कॉम्पिटिशन हुओ, जंहिंमें सभिनि खां वॾी असां दुनिया में जेका वॾे में वॾी सॉसपेन मिक्स चांहि जेका आहे उहा असां तयारु कई ऐं ख़ासि चांहि तमामु ज़बरदस्तु चांहि असां तयारु कई। उहा कीअं कई उहा असां सभिनि गॾिजी कई नेस्ले एवरी डे वारनि गिनीज़ बुक गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड जेको उहो क़ाइमु कयो ऐं उन में असां सभिनि साथ ॾिनो। असां सभु बि गॾु हुआसीं ऐं नेस्ले एवरी डे वारनि पाकिस्तान जे लाइ हिकिड़ो वॾो एज़ाज़ आहे की गिनीज़ बुक में असांजो नालो इन जेको कॉम्पिटिशन हिन खे जीते असां हासिलु कयो ऐं ॾाढो ज़बरदस्तु कॉम्पिटिशन हुओ। ऐं उन में तव्हांजे जेके मिस कॉल्स हुयूं तव्हां प्यारनि माण्हुनि जूं पाकिस्तानियुनि जूं 5 लख खां वधीक तव्हां मिस कॉल्स ॾिनियूं, 18,000 खां वधीक तव्हांजा ऑनलाइन जेके वोट्स हुआ उहे हुआ ऐं ईअं असां जेको हज़ारनि जी तादाद में जेको कप्स आहिनि असां वॾो हिकिड़ो सॉसपेन मिक्स चांहि जेका आहे उहा तयारु कई एवरी डे वारनि तयारु कई ऐं ज़बरदस्तु तरीक़े सां जेको कॉम्पिटिशन आहे उहो असां जीतियो। इन ते अञा असां ॻाल्हाईंदासीं जेके गेस्ट आहिनि उन्हनि जो तारो पोइ मां कराईंदी अलाए तमामु घणो ज़रूरी आहे। तमामु ख़ासि गेस्ट आहिनि जेके अॼु असां सां गॾु आहिनि उन्हनि सां गुफ़्तगू सिहत जे हवाले सां असांजी हलंदी ऐं सक्सेस जे हवाले सां असांजी हलंदी। काफ़ी शयूं आहिनि जिन्हनि खे असां लाइट वठंदा आहियूं, असांखे रुटीन में उहे ख़बर न आहिनि हूंदियूं, उन्हनि जे बारे में ॻाल्हाइण बि ज़रूरी हूंदो आहे, मोटिवेट थियण बि ज़रूरी हूंदो आहे। त असां वटि हिकु मोटिवेशनल स्पीकर आहिनि उन्हनि जो मां तारो कराईंदुमि, डॉक्टर साहबु बस सां गॾु आहिनि, हमेशह जॾहिं असांजे प्रोग्राम में ईंदा आहिनि हमेशह ॾाढे सुठे अंदाज़ में असांखे गाइड कंदा आहिनि, अहिड़ी शयूं सम्झाईंदा आहिनि जिन बेसिक खां वठी अॻियां ताईं असांखे सुठियूं शयूं सम्झाईंदा आहिनि जिन्हनि मां असांखे फ़ाइदो थींदो आहे। ऐं इहो बि इन खां अलावा असां मुख़्तलिफ़ टी वी चैनल्स ते उन्हनि खे ॾिसंदा आहियूं, अक्सर लाइव प्रोग्राम्स कंदा आहियूं, उन्हनि खे ॾिसंदा आहियूं, ॾाढे ज़बरदस्त अंदाज़ में पंहिंजा जेको फ़ाइदो आहे उहो माण्हू खे ॾींदा पिया आहिनि, पंहिंजी जेकी स्पेशलिटी आहे उनखे पाकिस्तानियुनि जे लाइ असां सभिनि जे लाइ सर्व कंदा पिया आहिनि। ऐं डॉक्टर नाज़िर हुसैन असां सां गॾु आहिनि, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूं। आपको वेलकम कहेंगे आज के शो में। आज हम गुफ्तगू जो है वो मैं भी आपसे सवाल करूंगी, लोग भी जो है वो आपसे सवाल करते रहेंगे। नाज़रीन तव्हांखे ॿुधायो त हिकिड़ी ॿी पर्सनैलिटी बि हिते असां सां गॾु मौजूदु आहे ऐं पाण केमिकल इंजीनियर बि आहिनि, लेक्चरार बि आहिनि, मोटिवेशनल स्पीकर बि आहिनि। गुफ़्तगू जेका आहे उहा असां सक्सेस जे हवाले सां हिननि सां कंदासीं की असांजा नौजवान जेके आहिनि उहे कीअं मोटिवेट थी आहिनि, कीअं उहे असां सक्सेस जी तरफ़ अचूं या कीअं माणे सघूं था सक्सेस। त राव एहसन असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपको भी वेलकम कहते हैं, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? फर्स्ट क्लास, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप दोनों की मैं मशकूर हूँ कि आप अपना टाइम निकाल के हमारे पास आ जाए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, हमें बताएं कि आजकल हमारे पास पाकिस्तान में कैंसर का क्या रेशो है? कैंसर पे आज मैं बात करना चाह रही हूँ क्योंकि इसको हम ऐसे ताबू लेते हैं कि इसका जो इलाज है हम समझते हैं इम्पॉसिबल है, तो इसके हवाले से थोड़ा बताएं हमें। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। आज जुमातुल मुबारक भी है जी, और आज मुसलमान को कहा गया है कि आज के दिन सेहत और सफाई का एहतमाम करें, नमाज का एहतमाम करें। ये और इस तरह के दूसरे जो मैसेजेस हैं जी, जिसमें नमाज का हुक्म है, वुजू का हुक्म है, तिलावत के बारे में कहा गया है, सेहतमंद और अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए कहा गया है जी, ये सब इसलिए हैं कि हम अल्लाह ताला की इबादत भी करें और ख़तरनाक जानलेवा अमराज से भी महफूज रहें। सही। जब एक मुसलमान इस पैटर्न पे अपनी ज़िंदगी को गुजारता है तो इंशाल्लाह वो अमराज जो कि ऐसे जैसे कैंसर की हम बात कर रहे हैं, इस तरह के अमराज से महफूज रहा जा सकता है। कैंसर हमारी ग़िज़ाई आदात, रहने सहने के आदात, इनकी वजह से हमारे जिस्म में हुआ करता है। और पहले तो ये कि कैंसर होता क्या है, इसके बारे में साइंसदानों के दो तबके हैं। एक तबका ये कहता है कि ये जिस्म की फंगस है, जैसे हमारे नाखनों पे फंगस लगती है जी जी जी, और हमारी जिल्द पे फंगस लग जाती है जिसको हम एक्जीमा कहते हैं, या सोराइसिस वगैरह, वो जिल्द को तबाह कर देते हैं, गला देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो ये फंगस साइंसदानों का वो तबका कहता है कि जिस्म के अंदर भी फंगस लगती है जिसमें हमारे सेल्स का निज़ाम तबाह हो जाता है और वो फिर उसको कैंसर का नाम देते हैं। दूसरा तबका साइंसदानों का, जो कि डॉक्टर कोख के हवाले से एक ग्रुप बना हुआ है और 200 साल से ये उनकी तहकीक ये है कि हमारे ब्रेन से सिग्नल्स आते हैं जो कि हर सेल रिसीव करता है और वो अपनी एक ख़ास मखसूस ज़िंदगी गुजार के और उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, उसकी जगह नया सेल आ जाता है। ये निज़ाम मुतासिर होता है, उसकी फिर वो वजूहत बताते हैं
कि ब्रेन से सिग्नल सेल्स तक क्यों नहीं पहुंचा, हमारे खलियात तक, और वो फिर कैंसर में कैसे तब्दील हुए, उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसकी बुनियादी वजूहत में कि जो शख्स रात को देर से सोएगा उसका ये निज़ाम मुतासिर होगा। दूसरी चीज़ ये, कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हैं ज़्यादा हैवानी प्रोटीन एनिमल फैट्स खाने वाला शख्स, उसका यह निज़ाम मुतासिर हो सकता है। डिप्रेशन टेंशन में रहने वाला शख्स और ऐसी ख्वाहिशात करने वाला जो उसको पता है कि मैं हासिल नहीं कर सकता, उनकी जस्तुजू में या उनके बारे में सोचना ज़्यादा, वो इन सिग्नल्स के निज़ाम को मुतासिर कर सकता है। देर से नाश्ता करना या नाश्ता ना करना इस निज़ाम को मुतासिर करता है। रात का खाना ना खाना इस निज़ाम को मुतासिर करता है। गलत अशिया जैसे आजकल पाकिस्तान में फार्मी चिकन, फार्मी अंडे और इंजेक्शन लगे हुए बीफ, ये जो मिल रहे हैं, ये जिस्म में जाने के बाद उस निज़ाम को मुतासिर करते हैं, क्योंकि हमारा जिस्म इन चीज़ों के लिए नहीं बना। सही, वो एक्टिव कर देते हैं वो उस निज़ाम को, वो जो निज़ाम प्रॉपर है उसको डीएक्टिव करते हैं। अच्छा। और सेल्स की तबाही को एक्टिव कर देते हैं। सही। तो इसलिए हमें अपनी आदत का पहले तो जायज़ा लेना होगा। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मैं कैंसर से बचकर रहूँ, तो उसको सबसे पहले, जैसे एक हदीस मुबारक उसका मफहूम है कि बेहतरीन नाश्ता वो है जो सुबह जल्दी किया जाए, और इस पर एक ऑस्ट्रिया के प्रोफेसर फॉन गॉट हैं, उन्होंने ये कहा कि इस हदीस की तशरीह उन्होंने इस तरह से की कि अगर सुबह जागने के बाद जब हमारी आँख खुलती है, हमारा निज़ाम एक्टिव हो जाता है, जो एनर्जी जिसे चाहिए, तो अगर 30 मिनट में नाश्ता नहीं किया गया तो जिस्म आपके, हमारा ब्रेन आपके जिस्म में मौजूद ज़खायर को इस्तेमाल करेगा जो एमरजेंसी में इस्तेमाल होने हैं। तो वो ज़खायर अगर आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल होते रहे तो जिस्म में अगर कोई मर्ज, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया दाखिल होगा, कोई फंगस दाखिल होगी, तो वो एकदम से किसी न किसी मर्ज का सामने, उस किसी न किसी नाम से वो सामने आएगा, सामने आ जाएगी। सही बात है, मतलब बेसिक चीज़ें जाहिर सी बात है हमें पता नहीं है, पता होनी चाहिए। इस पे और ज़्यादा हम बात करेंगे, राव एहसान से, एहसान से भी मैं बात करना चाह रही हूँ। आप हमें बताएं क्या क्या मसरूफियात हैं आजकल आपकी, क्या क्या चल रहा है? वेल, जॉब चल रही है फ़िलहाल तो यूनिवर्सिटी में, और उसके साथ साथ मोटिवेशन करता रहता हूँ, सेशंस करता रहता हूँ। अभी 2 दिन पहले आवाज़ टीवी चैनल पर भी एक मोटिवेशनल टॉक की थी। अच्छा। तो मोटिवेशन तो आपको पता है लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमारे यंगस्टर्स जो है वैसे भी वो बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, डिप्रेशन का डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं अभी, डिप्रेशन का शिकार हम जल्दी हो जाते हैं, कैसे उनको मोटिवेट किया जा सकता है? हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि डिप्रेशन जो है बेसिकली वो एक मायूसी, जिसे आप कहते हैं कि मायूसी, तो इस्लाम में वैसे ही कुफर है जी। और मायूसी तभी होती है जब आपका अल्लाह पर उतना अच्छा आपको भरोसा ना हो। हाँ। आपको ये लगता हो कि जो भी आप कर रहे हैं आपने लाइफ में किया है वो आपने खुद किया है और हर चीज़ आपके कंट्रोल में है, लेकिन कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती, लाइक नसीब आपके कंट्रोल में नहीं होता। अक्सर आपने एक बात सुनी होगी कि दुआ में जब भी मांगो तो अपने नसीब मांगो, क्योंकि कई हुसन वाले लोगों को नसीब वालों के दर पे देखा है। हाँ। तो हमेशा अपने नसीब मांगे जब भी दुआ करें अल्लाह ताला से। और मौला कानन मौला अली अलैहि सलाम का फरमान भी है, दुआ ऐसी चीज़ है जो किस्मत भी बदल सकती है। बिल्कुल। तो अब मोटिवेट रहने के लिए क्या करना चाहिए? स्टूडेंट्स का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो मैं देखता हूँ यूनिवर्सिटी में, वो ये है कि वो चाहते हैं कि उन्हें जॉब मिल जाए। और जब मैं खुद लेक्चर देता हूँ क्लास में, तो मैं उन्हें एक ही बात बताता हूँ कि आप जॉब के पीछे नहीं जाएं, बल्कि आप जॉब देने वाले बने, अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप करें कि आप बजाय एज ए एम्प्लॉई किसी के पास जाके काम करें, आप खुद एम्प्लॉयर बने और लोग आपके पास आके काम करें। और इस चीज़ के करने के लिए, अब ये चीज़ आपको एक यूनिवर्सिटी तो या एक इदारा तो नहीं दे सकता, क्योंकि अगर उन्होंने ये चीज़ आपको एक एम्प्लॉयर वाली स्किल्स आपके अंदर डेवलप कर दी, तो फिर तो आप उनके कॉम्पिटिशन में आ जाएंगे। तो कुछ चीज़ें हमें खुद डिवेलप करनी होती हैं अपने अंदर। और आप जितने भी दुनिया में ग्रेट अचीवर्स देखें तो वो सब सेल्फ स्टडी करते थे, आइंस्टाइन, न्यूटन, या स्टीव जॉब्स, या बिल गेट्स, या मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक बनाने वाला फाउंडर जो है। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ी और अपने अपने पैशन को फॉलो किया, लाइक उनको प्रोग्रामिंग बहुत पसंद थी, उस पर लगे रहे 5-6 साल 10 साल। ठीक है, तो आपको भी इसी तरह जो चीज़ें आपको पसंद हैं आपको करनी है। और यूनिवर्सिटी में उनको यही लगता था कि हमें उतना टाइम हमारा इफेक्टिव नहीं है जितना हम अकेले में सेल्फ स्टडी करके कर सकते हैं। तो आपको भी इसी तरह चाहिए कि आप सेल्फ स्टडी करें ज़्यादा से ज़्यादा, अपनी जो भी फील्ड है आपका, जो भी आपका काम है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। और मोटिवेट रहने का एक सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है वो ये है कि अक्सर आपने देखा होगा जो ग्रेट एथलीट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि लेट्स सपोज एक क्रिकेटर है तो वो क्या करेगा, ग्राउंड में ज़्यादा टाइम गुजारेगा, जिम में ज़्यादा रहेगा।
पर यानी वो अपने जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके सराउंडिंग में उसको चेंज करता है, लेकिन अगर आपको और भी ज़्यादा इसमें अपना आपको इफेक्टिव बनाना है तो आप अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को चेंज करें। एक तो होता है कि आपने एक्सटर्नली आप ऐसे इन्वायरमेंट में फील्ड में आ गए कि जहाँ पर आप ऑलरेडी मतलब आप मोटिवेट हो जाते हैं या इस तरह के टैग्स आप लगा रहे होते हैं, साइंस यूज़ कर रहे होते हैं कि आपको वो मोटिवेट करें। एक होता है आप अपने अंदर से ये पूछ लें आप जो भी काम कर रहे हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है, और इससे आपका आपको क्या मिलने वाला है, आप मतलब मोटिवेशन इज समथिंग विद इन योरसेल्फ, आप अपने अंदर ही वो चीज होती है, हमें बस बाहर निकालने की जरूरत होती है, उसको फील करने की जरूरत होती है। कैसे इसको फील किया जा सकता है, इस पे भी हम बात करेंगे, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ है तो मैं जा रही हूँ उस पे, हम कैंसर पे भी हम बात करते हैं जाए साथ। डॉक्टर साहब, हम क्यों समझते हैं कि कैंसर का कोई इलाज नहीं है? हाँ, उसकी वजह यह है कि मेडिकल साइंस के तीन शोबे हैं जी जी, जिसमें हम एक को एलोपैथिक के नाम से जानते हैं जी। एक तिब का शोबा है जिसमें जड़ी बूटियाँ और प्लांट्स को इस्तेमाल किया जाता है, और अल्टरनेटिव में और भी दीगर शोबे हैं, होम्योपैथिक वगैरह है। तो इसमें से एक शोबा ऐसा है जो ये कहता है कि इसके ग्रेड्स हैं कि जब आगाज़ होता है कैंसर का तो वो ग्रेड वन, उसके बाद टू, थ्री और फोर। ये जो बात है कि इसका इलाज नहीं है, ये ग्रेड फोर के बारे में है, जब इंसान के जिस्म में कैंसर मेटास्टेटिक हो जाए, फैल जाए मुख्तलिफ अज़ा के अंदर, या एक ही उज़ू को मुकम्मल अपनी लपेट में ले ले, तो उसकी फिर चूँकि मेडिसिन अभी तक तैयार नहीं हुई इसलिए उसको लाइलाज किया जा रहा है। वरना आज से 10 साल पहले जब कीमोथेरेपी थी वो ग्रेड टू तक काम करती थी और थर्ड और फोर को लाइलाज किया जाता था। अच्छा। आज हम ग्रेड थ्री के मेडिसिन आ चुकी हैं, अब ग्रेड फोर की रिसर्च जारी है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये भी। लेकिन आज हम कहें कि इसका इलाज नहीं है, बल्कि ये कहा जाता है कि कैंसर इज़ डेथ। सही, जैसे कैंसर हुआ डॉक्टर्स अपने तौर पे और उसके जो लवाहिकीन उनको कह देते हैं कि अब आप इनकी तैयारी करें, हम कोशिश करेंगे, उनको फील करवाते हैं हर चीज़ में, हम लोग इलाज है ही नहीं, इलाज नहीं है, शुरू से ही ये बात चल जाती है कि देखें इसका ये लाइलाज है। हाँ। फिर भी हम कोशिश करते हैं और अच्छी कोशिश होती है, कीमोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी अच्छी कोशिश है और ये करवाना चाहिए। सही। लेकिन ये कि लाइलाज वाकई थर्ड और फोर्थ के मरीज़ बहुत कम, इनका रेशो 30% है उनके अच्छा। बचने का, और 70% मरीज़ इस पर इसका शिकार हो जाते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमें तिब्बे नबवी के हवाले से थोड़ा गाइड करें, उसमें इसके लिए क्या इलाज है? बिल्कुल, अगर हम तारीख़ इस्लाम के उस दौर को देखें जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला मेडिकल सिखा रहे थे और कुरान हकीम में उसका जिक्र भी है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने बराह रास्त मेडिकल का इल्म सिखाया है। तो उस दौर में जज़्ज़ाम ऐसा था जैसे आज कैंसर है, वो कैंसर, बल्कि मैं उसको कहूँगा कैंसर से भी ज़्यादा एक खौफनाक मर्ज़ था। अच्छा। आज भी मौजूद है, और इतना लाइलाज था कि जैसे ही उसका फर्स्ट स्टेज ज़ाहिर होता था और उस वक्त ये तय कर लिया जाता था कि अब इस शख्स को हम अपनी आबादियों से दूर, क्योंकि वो वायरल डिजीज़ थी, एक से दूसरे को लगती थी, तो इसलिए जिसे जज़्ज़ाम हुआ उसका मतलब ये था कि अब ये शख्स मौत के मुँह में चला गया है। तो कुछ वादियाँ बनी हुई थी, पहाड़ थे अरब के इलाकों में जिन्हें मौत की वादी कहा जाता था, वहाँ उनको ले जा के छोड़ देते और ऊपर से उनका खाना पीना फेंक दिया जाता, वो खाते पीते रहते जब तक जिंदा रहते। लेकिन यही मरीज़ जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है तो आपने विद इन वीक्स उसको क्योर किया। एक तो ये था कि आपकी करिश्मा, आपका मौजज़ा अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम भी कर रहे हैं वो आने वालों के लिए एक मिसाल के तौर पर कि आप इतना अगर करेंगे सिखाने के लिए तो ये चीज़ क्योर हो सकती है। तो जज़्ज़ाम के मरीजों को साहबा कराम की बहुत बड़ी ऐसी तादाद थी जो जज़्ज़ाम के या इनक्योरेबल डिजीज़ का शिकार थे। जब उन्होंने एक शख्स को देखा जिसके बारे में ये तय हो चुका था कि इसको जज़्ज़ाम यानी लेप्रोसी हो चुकी है, ये मर जाएगा, लेकिन 4-6-8 महीने बाद जो उससे मुलाकात हुई, उसको देखा इंतहाई खूबसूरत, सेहतमंद और सफाई सुथराई वगैरह, तो उन्होंने पूछा कि ये कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, उन्होंने मुझे एक दवा बताई, गिज़ा और परहेज़ बताया और कुरान की एक आयत बता दी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आयत कौन सी थी और ये जो दवा उन्होंने बताई, दवा क्या थी, क्योंकि लोग भी जानना चाह रहे होंगे इसके बारे में, हमें बताइएगा। एक कॉल है उसके बाद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, नूर अली क्या गलाए में शाहपुर क्या कर रहा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, अदा केर गलाए था, कितना गलाए था? अभी नूर अली क्या गलाए में शाहपुर क्या कर रहा। अच्छा दादा, तो आप की है ठीक ठाक है? हाँ डॉक्टर साहब, का जो सवाल आते जे मानू को कैंसर हो दुआ उनी मानू के सामना खादे पीते जे सा हाथ वगैरह लाए जे या मना उनका परहेज करे जी। हाने प्लीज ता रिपीट क्यों पा जो सवाल है, ता जो आवाज सही न पे आयो जी।
मुझे सवाल है कि डॉक्टर साहब खायो आप जे मानू के कैंसर हो दुआ उनी के खाए पीण के हिसाब सा पथ वगैरह लगाए या उन के खादो की तो पांच हिसाब सा दीजे मतलब कैंसर इलाही सारा उन जो एग्जाम है केड़ी किस्म जो कैंसर मतलब आखिरी स्टेज दे में मना जन्मल हो दुआ अच्छा तां के जवाब असा दियो ता थैंक यू सो मच ता प्रोग्राम में शामिल थियो ता सा के कॉल कई वो पूछ रहे हैं कैंसर के जो लास्ट स्टेज होता है वहां पे क्या चीजें हैं जिनसे परहेज करनी चाहिए हां ये बहुत अच्छा सवाल है बल्कि कैंसर जिन्हें ना भी हो उन्हें भी कुछ ऐसी غذائیں ہیں کہ اگر ہم استعمال کریں گے تو لازمی کینسر ہوگا اچھا جس کا میں بار بار ایک تذکرہ کرتا ہوں پاکستان میں آتے ہی کہ یہاں فارمی چکن کا اتنا زیادہ استعمال ہے جی اور دنیا میں فارمی چکن کو بائنڈ اپ کیا جا رہا ہے اور اس کے آلٹرنیٹ لائے جا رہے ہیں تو یہ جو جتنی بھی چیزیں جنہیں ہم اپنے ہاتھوں سے کوئی ہارمونز دیتے ہیں کوئی انجیکشنز ہم دیتے ہیں ان کو ان کی پیداوار بڑھانے کے لیے یا گائے اور بھینس ان سے دودھ حاصل کرنے کے لیے یہ وہ چیز پیدا کر دیتے ہیں جو ہم جسے ہم کینسر کہتے ہیں یعنی برین اور سیلز کے درمیان سگنلز کو انٹرپٹ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں کینسر ہوتا ہے یہ جتنے ہارمونز والی غذائیں ہیں ہمیں ان سے پرہیز کرنا ہے چاہے وہ پہلی سٹیج کا کینسر ہے یا لاسٹ سٹیج کا ہے جس میں فارمی چکن فارمی انڈا فارمی مچھلی بھی آ گئی ہے ماشاءاللہ اور گائے بھینس کا گوشت ہے بیف ان کا دودھ سے بھی پرہیز کرنا ہے کینسر والے کو ہر قسم کے دودھ سے پرہیز کرنا چاہیے صحیح یہ خاص وہ ہے صحیح اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں بتا بھی رہے تھے اس سے پہلے کہ آیات کون سی تھی اور کیا تھا بالکل علاج کیا تھا اس بیماری جی بخاری کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو قسط البحری کے بارے میں بتایا کہ قسط البحری ایک ایسی دوا ہے جو جذام میں اور اس طرح کے امراض میں کام آتی ہے دوسرا زیتون کے تیل کا ذکر کیا گیا کہ اسے کھاؤ اور اسے لگاؤ کہ یہ جذام سے نجات دیتی ہے صحیح اور اس طرح سے مختلف میڈیسنز بتائی گئیں جس میں حلبہ شامل ہے حلبہ کو ہم میتھی دانے کے نام سے جانتے ہیں اچھا اور قسط شیریں حلبہ ان کا کمبینیشن زیتون کے تیل میں بنایا جاتا ہے اور یہ لیپروسی کو ختم کرنے میں بہت ایکٹیو ہے صحیح اور اسی کے کمبینیشن اس وقت آپ دیکھیں آسٹریا میں اور جرمنی میں جو ہربل میڈیسنز ہیں وہ اس میں یہ تین چیزیں لازمی شامل ہوتی ہیں صحیح انہوں نے احادیث مبارکہ میں دیکھا کہ لا علاج مرض کا یہ علاج ہے تو پھر ایک قرآن کی ایک آیت اب وہ آیات مختلف ہیں جی جی ہر موقع پر ایک صحابی کو آپ نے دوا بتائی غذا اور پرہیز بتایا اور ایک آیت بتائی کہ یہ سارا دن تم نے اس آیت کو پڑھنا ہے صحیح اب یہ تحقیق ہوئی کچھ عرصہ پہلے سعودی عرب میں کچھ سائنٹسٹ جمع تھے انہوں نے کہا کہ آپ کے نبی نے آیات کیوں بتائیں صحابہ کرام تو سراپا آیات سراپا قرآن تھے جی انہیں کیوں بتایا گیا کہ سارا دن یہ آپ اس کو ریسائٹ کریں اس کو پڑھیں تو یہ تحقیق ہوئی کہ ان میں سے ہیوی ساؤنڈ افیکٹ خارج ہو رہے ہیں ہیوی ریڈیشن خارج ہو رہی ہیں ان آیات میں سے اچھا اور جس کے تھیوری پہ آج ہم ریڈیشن تھراپی دے کر کینسر کو ختم کرتے ہیں وہ آلریڈی ان آیات سے بہت ہیوی جو اس میں وہ خارج ہو رہی ہیں مستفید ہو رہے ہیں اچھا اس پہ زیادہ بات کریں گے کال بھی ایک ہمارے ساتھ ہے ہیلو السلام علیکم جی ادا کیئر گلا تھا کیے ہو تا ٹھیک ٹھاک ہے جی ادا تھا کی ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے کچھ پوچھنا چاہیے نو نہیں پوچھنا ہے کہ ہماری مجھے لگتی ہے ربیا جی جی اس کو ایک برس کا مرض ہے آواز صحیح سمجھ میں نہ پیو چیتا جی وری بدھائیو ہماری میری بچی ہے ربیا میری بیٹی ہے ربیا جی جی تاں جی ننڈی ہے کیا مرض ہے اچھا عمر کیا جی جی عمر کیا ان کی عمر ایج عمر ایج ایج چھا ہے دا ان جی عمر 15 سال اچھا تا پلیز دا ٹی وی جو آواز بند کرے گلا نہ صحیح طریقے سے کمیونیکیشن کر سکنا سی تھینک یو سو مچ تا کال کئی اسا کہ ان کی کیوری میں سمجھ نہیں پائی تھی کیا کیوری تھی ان کی مجھے بھی نہیں آواز آئی صحیح طرح صحیح اچھا آپ بتا رہے تھے وہ بات میرے بیچ بالکل تو اس طرح مختلف آیات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اور بعض مواقع پہ آپ نے کچھ دعائیں دیں کہ یہ دعا سارا دن آپ پڑھتے رہیں وہ بھی عربی کے الفاظ تھے سر چھوٹی چھوٹی ڈاکٹر صاحب چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں بتائیے کہ آپ کیا کیا دعائیں ہیں اکثر ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتی اور یاد بھی کرنا مشکل ہوتی ہیں تو اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا تھوڑا میں آپ سے بھی احسن بات کرنا چاہ رہی تھی آپ ہمیں بتائیں کہ ہم جب جنرلی ہمارے بچے جو ہیں وہ موٹیویٹیڈ نہیں ہو پاتے ہیں آپ کے اسٹوڈنٹس بھی آپ دیکھتے ہوں گے ان میں مایوسی زیادہ ہوتی ہے کیسے مطلب آپ بھی ایک ینگ بینگ ینگ ٹیچر
आप कैसे उनको गाइड करते हैं, कैसे सिखा पाते हैं? वेल, मैं ये करता हूँ कि अक्सर टीचर्स का जैसे फोकस होता है ज़हीनी स्टूडेंट्स पे या जो क्लास में अच्छा पढ़ते हैं, तो ज़्यादा जो डीमोटिवेट होते हैं वो तो वो होते हैं जो बैक बेंचर्स हो गए या जो मिडिल में बैठते हैं, जिनका इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है एजुकेशन में, तो मैं उन पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। और उनमें मैं ये चीज़ देखता हूँ, उनकी जो डीमोटिवेशन की वजह होती है कि वो हमेशा प्रैक्टिकल वर्क को ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन थ्योरी के या रट्टे मारने के। उन्हें वो काम करने पसंद होते हैं जिसमें ऑन द स्पॉट्स, यानी कि आपका जो है जल्दी इंस्टेंट रिजल्ट्स मिले। तो मैं उन्हें एक्टिविटीज़ ऐसी देता हूँ क्लास में, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता हूँ कि वो आए स्टेज पे बात करें किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, ताकि उनके थोड़े हाथ पांव खुलें, थोड़ा कॉन्फिडेंस आए उनमें और उनकी जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो, वो डेवलप हो। स्किल डेवलपमेंट पे भी हम तफसील से बात करेंगे, स्किल डेवलपमेंट कैसे होनी चाहिए बेसिक से हम बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिनको ये चीज़ जो है पता नहीं होती, तो वो पता होनी चाहिए, उस पर बात करेंगे हम। ब्रेक का टाइम हुआ है नाज़रीन, तव्हांखे ॿुधायो कि इते ब्रेक जो टाइम थियो है, इहो ॿुधाईंदा हलूं त अॼु असांजे प्रोग्राम खे नेस्ले वीडियो वारनि तावुन कयो आहे। तव्हां बि अगरि ख़ासि मिक्स चांहि अगरि ठाहिणु चाहियो था त तव्हां बि नेस्ले एवरीडे वठी अचो, रेड पट्टी वारो नेस्ले एवरीडे वठी अचो, ऐं ख़ासि मिक्स चांहि जेका आहे उहा तव्हां ठाहे सघो था। अक्सर चैलेंज हूंदो आहे असांखे चांहि जेका ठाहिण, मिक्स चांहि जेका ठाहिण वॾो हिकिड़ो चैलेंज हूंदो आहे। जॾहिं तव्हां सुठी ठाहे सघो था त उहा तव्हां, असां सभु पाकिस्तानी ॾाढे शौक़ सां चांहि पीअंदा आहियूं, त नेस्ले एवरीडे सां असां सुठी चांहि ठाहे सघूं था, उहा पी सघूं था। ऐं इहो बि तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त नेस्ले एवरीडे सां तव्हां जेके चांहि उहा पी सघो था। ऐं इन में मुख़्तलिफ़ ॿिया बि शयूं आहिनि, जीअं हिननि जो हाणे जेको कॉम्पिटिशन थियो, उहो कॉम्पिटिशन बि हिकिड़ो तमामु ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन हो, जंहिंमें गिनीज़ बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड जेको आहे उहो असां सभिनि गॾिजी नेस्ले एवरीडे वारनि सां उहो असां गॾिजी उहो क़ाइमु कयो, ऐं उहो हिकिड़ो एज़ाज़ आहे असां सभिनि जे लाइ, पाकिस्तान जे लाइ हिकिड़ो वॾो एज़ाज़ आहे। ऐं इनशाला असांजी गुफ़्तगु सिहत जे हवाले सां जारी सारी हूंदी। इते टाइम हिकिड़े नंढे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो थियो आहे, स्टे ट्यून, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक चवंदासीं ऐं भलीकार चवंदासीं सभिनि प्यारनि सोणनि माण्हुनि खे हिकु दफ़ा ॿीहर। ऐं तव्हांखे ॿुधायूं त असांजे अॼु जे प्रोग्राम खे नेस्ले एवरीडे वारनि तामुन कयो आहे, ऐं जॾहिं असां ख़ासि चांहि जॾहिं ठाहिण जी ॻाल्हि कंदा आहियूं त नेस्ले एवरीडे जो असां वटि नालो जेको माइंड में ईंदो हो नेस्ले एवरीडे वारनि जो ई हूंदो आहे। ऐं इहो बि तव्हांखे ॿुधायां त नेस्ले एवरीडे वारनि हिकिड़ो असांखे सहूलियत जेका आहे उहा दस्तियाबु कई आहे असांखे, साशे खां वठी जेको 250-650 ग्राम जा जेके पैकेट्स आहिनि असां उहे वठी सघूं था, ऐं ख़ासि चांहि जेका आहे उहा पंहिंजे घर में उहा ठाहे सघूं था। रेड बैंड वारो नओं नेस्ले एवरीडे तव्हां सभु बि वठो, ऐं ख़ासि चांहि जेका आहे उहा पाण बि ठाहियो, पंहिंजा महिमान जेके आहिनि उन्हनि खे बि सर्व करियो। ॾाढो सुठो असांखे लॻंदो आहे जॾहिं असांजा महिमान या असांजा घरभाती जॾहिं गॾु थी असां वेंदा आहियूं, या असां जेके टी पार्टीज़ कंदा आहियूं, त उते नेस्ले एवरीडे जी चांहि जेका आहे ॾाढी शौक़ सां सभु पीअंदा आहियूं। ऐं इहो बि तव्हांखे ॿुधायूं त जेको नओं गिनीज़ बुक रिकॉर्ड जेको आहे, वर्ल्ड रिकॉर्ड जेको आहे, उहो नेस्ले एवरीडे वारनि ठाहियो आहे, जंहिंमें असां दुनिया में वॾे खां वॾो जेको मिक्स चांहि जो जेको सॉसपैन आहे उहो असां ठाहियो आहे। ऐं उन में असां सभु पाकिस्तानीनि गॾिजी नेस्ले एवरीडे वारनि सां उनजो साथ ॾिनो, ऐं असां जेको वॾे में वॾो मिक्स चांहि जो जेको सॉसपैन आहे उहो असां ठाहिण में कामयाबु थी वियासीं। हिकिड़ो एज़ाज़ बि आहे पाकिस्तानीनि जे लाइ की असां गिनीज़ बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में जेको आहे उन में बि असांजी जेका इहा शइ आहे, इहो कॉम्पिटिशन आहे, उनजे हवाले सां असां अची वियासीं, ऐं उहो जेको असां जीते वियासीं कॉम्पिटिशन। त ज़बरदस्त क़िस्म जा इहे एक्टिविटीज़ हूंदियूं आहिनि, उनमें असांखे पार्टिसिपेट करणु घुरिजे। गॾो गॾु जेका सिहत जी ॻाल्हि आहे उन ते बि असां डॉक्टर साहब सां गॾु उन्हनि सां ॻाल्हायूं पिया, ऐं राव एसन बि असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, जिन्हनि सां असां मोटिवेशनली जेके असांजा ॿार आहिनि उन्हनि खे मोटिवेट करण जे हवाले सां असां ॻाल्हायूं पिया। आप बात कर रहे थे स्किल डेवलपमेंट की, कैसे होनी चाहिए स्किल्स डेवलपमेंट के लिए? देखिए, आप ये करें कि जैसे लेट सपोज आपको कहीं जॉब करनी है, अगर आपका एम ये है कि आपको जॉब करनी है, तो आपके लिए टीम वर्क आपको मस्ट करना आना चाहिए। सही। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टीम वर्क में बहुत लूज होते हैं। सही। यानी वो इंडिविजुअली तो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे होते हैं, अच्छी परसेंटेज होती है, अच्छे रिकॉर्ड्स होते हैं, बट वेन इट कम्स टू टीम के टीम को कैसे हैंडल करना है, डील करना है, तो उनकी वहाँ पर वो उसको उससे कोप अप नहीं कर पाते, उनके साथ मैच नहीं कर पाते, उनको साथ ले के नहीं चल पाते। एक स्टोरी है मैंने पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छी भी लगती है, एक टर्टल की और रैबिट की, शायद आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, कि जिसमें वो रैबिट जो है वो इतने स्पीड में जाता है कि एक वक्त आता है वो सो जाता है और टर्टल आराम आराम से वो रेस जीत जाता है। जी। तो उसी स्टोरी का एक मॉडिफाइड वर्जन है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि अब जो है वो टर्टल उसे कहता है कि रैबिट उसे कहता है कि एक दफ़ा आप और रेस लगाते हैं, और इस दफ़ा वो प्रिपेयर्ड होता है कि अब मैंने सोना नहीं है, जैसे लास्ट टाइम मैं बहुत तेज़ गया था और दरमियान में जाके मैं रेस्ट किया, तो अब मैंने नहीं करना।
दोबारा रेस लगाते हैं और इस दफा रैबिट जो है वो इतनी स्पीड से जाता है कि वो रुकता ही नहीं और वो रेस जीत जाता है। अब टर्टल जो है वो बड़ा परेशान होता है, वो कहता है यार अगर इस तरह रैबिट अपना सोए ना और जागता रहे कॉन्शियस रहे तो मैं तो इससे जीत ही नहीं सकता। तो फिर क्या करता है जो टर्टल है वो क्या करता है कि वो उसे कहता है कि अब मैं आपको ट्रैक बताऊंगा और आपको उसके हिसाब से चलना होगा। तो अब इस दफा वो ट्रैक में एक ऐसा ट्रैक बताता है जिसमें रास्ते में यानी बीच में जो है वो पानी आ जाता है ताकि जब दोबारा हम दौड़ें तो पानी की वजह से रैबिट वहां पे जाके रुक जाएगा और मैं आराम से वो क्रॉस कर जाऊंगा। और ऐसा ही होता है कि वो जब दोबारा रेस लगती है तो जो टर्टल है वो आराम आराम से जो है वो उस दरिया को क्रॉस करता है और वो खुश्की से जो है ना होते होते अपने विनिंग लाइन तक पहुंच जाता है। तो अब जो है वो दोनों एक आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि देखो जहां खुश्की होगी वहां पर तुम मेरे ऊपर बैठना, मैं तुम्हें लेके साथ भागूंगा ताकि तुम्हारा टाइम बचे, और जहां पानी होगा वहां टर्टल कहता है वहां मैं तुम्हें रैबिट को अपने ऊपर बिठा के तुम्हें वहां से क्रॉस करवाऊंगा। तो आजकल अगर आप देखें इस वर्ल्ड में, मॉडर्न वर्ल्ड में, तो अगर आप इंडिविजुअली स्किलफुल हैं, अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप ज्यादा आगे तक ग्रो नहीं कर सकते, आप ज्यादा आगे एक्सेल नहीं कर सकते। आपको एक टीम चाहिए होती है, कुछ बंदे चाहिए होते हैं, लाइक ये जो शो चल रहा है इसमें भी डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, आप एंकर हैं, डॉक्टर हैं, मैं यहाँ पर हूँ। तो हम जब एक एज अ टीम काम करते हैं तभी हम कुछ अच्छा बड़ा कुछ सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं। सही बात है, टीम जो है वही आपको डिफाइन करती है, मैं ऐसा समझती हूँ। सही बात है बिल्कुल, मैं सुबह भी यही बात कर रही थी, जब हम साथ मिलकर कुछ चीज करते हैं तो उसमें और ज्यादा मजा आता है, वो एक्टिवली अच्छे से कर सकते हैं। एक और कॉल भी यहाँ पे हमारे साथ है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। टीवी जो प्लीज था, आवाज घट करे गला ही तो सही है। वालेकुम अस्सलाम। घट कर सुनना सी। वालेकुम अस्सलाम। अदा केर गला होता, कितना गला होता? चले मैं मोहम्मद बट्टी बोल के नवाब शर्मा। अच्छा अदा ता की है और नवाब शर्मा मौसम की है जी। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ लगी पे मौसम जबरदस्त लगो पे। सबका पहले टांग सबनी के अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग सर। राव एहसान वेठो आहे कायदेवाम यूनिवर्सिटी जो मोटिवेशनल स्पीकर। अच्छा इन का एक सवाल आ, अगर को बार पोइते आ तो उनके अगते आन किए चाहिए, किए मोटिवेशन के जे उनके सही असा उने ते ही गाला है के बारे में, देखो कॉन्फिडेंस से की डेवलप कजे उने ते असा गाला है पा ता जे जका क्यूरी है उने ते असा गाला है नसी टीवी ता दिसना रो असा सर का गाला है ता ता जो जवाब जो को ता के वो मिले। तो थैंक यू सो मच ता प्रोग्राम में शामिल थे ता असा के कॉल कई। वो पूछ रहे हैं बच्चा अगर कोई पीछे है तो उसको कैसे मोटिवेट किया जा सके, कॉन्फिडेंस तो जल्दी से डेवलप नहीं हो सकता ना। मैं इसका एक बड़ा फनी सा आंसर दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए और वो ये है कि अक्सर जो मेरी क्लास में थोड़े कम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं मैं कहता हूँ तुम्हें शादी करनी है तो वो कहते हैं यस करनी है, मैं कहता हूँ फिर शाबाश जल्दी पढ़ो टाइम पे और अच्छी परसेंटेज दो ताकि तुम्हें अच्छी जॉब मिले। तो जब वो लड़की की बात आती है ना, शादी की बात आती है, तो वो ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाते हैं और फिर वो क्लास में मेरा लेक्चर बड़े ध्यान से सुनते हैं, बड़े जो है ना कंसंट्रेशन से सुनते हैं। तो बेसिकली उनको मोटिवेट करने के लिए आपको कोई ना कोई एम या ऑब्जेक्टिव या कोई गोल बताना पड़ता है। अब मुझे उनकी साइकी पता है कि उनको किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है तो मैं फिर वो ही नाम लेता हूँ। लेकिन आप भी इसी तरह अगर आपके पास कोई सराउंडिंग में कोई ऐसा इंसान है जो डीमोटिवेट है तो आप उसके रिलेटेड यानी जिसको उसको जिन चीजों में इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड उसको बताएं कि आपको ये चीज अगर चाहिए या यहाँ तक पहुंचना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आजकल की वर्ल्ड में ना सिर्फ हार्ड वर्किंग इंपॉर्टेंट है बल्कि स्मार्ट वर्किंग भी बहुत ज्यादा अपना एक रोल प्ले कर रही है। ठीक है, जो कि जापान में सबसे पहले इसके ऊपर काम शुरू हुआ था, काइजेन एक 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 नाम से ये शुरू हुई थी चीज के, जिसका मतलब था कि आप स्मॉल इंप्रूवमेंट्स क्या कर सकते हैं अपने अंदर जिसकी वजह से आप एक बड़ी चेंज लेकर आए। अगर आप यूरोप साइड में देखें तो वहां पर बड़े चेंजेस को ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, लाइक बड़ी इन्वेंशंस को, बड़ी डिस्कवरीज को। लेकिन जापान वाले जो है वो छोटी छोटी चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा गौर करते हैं। जैसे अगर पांच बंदे हैं और वो बोरियां उठा के लेके जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा एक ऐसी ट्रॉली बनाओ जिसमें आप व्हील लगा दो और वही काम जो पांच बंदे कर रहे थे वो उस ट्रॉली पे आप पांच बैग रखो और वो एक ही बंदा उनको ले जाएगा। तो आजकल हार्ड वर्किंग से ज्यादा निकल के लोग स्मार्ट वर्किंग पे आ गए और स्मार्ट वर्किंग के लिए आपको क्या करना है, अपने आपको मोटिवेट रखना है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव रखना है और उस ऑब्जेक्टिव में जब तक आप वो पैशन नहीं डाल पाएंगे, जब तक उसके पीछे कोई ना कोई आपका अच्छा विजन ना हो, कोई अच्छा मिशन ना हो, जब आप बेजान चीजों को, हमारा मसला क्या है कि हम अपनी हैप्पीनेस जो है वो हमेशा दो चीजों में ढूंढते हैं, एक तो प्लेस में कि मुझे वो चीज मिल जाए, मैं लंदन चला जाऊं, कनाडा चला जाऊं, फलानी जगह चला जाऊं, फला जगह जाके बैठ जाऊं, फला जगह जाके कोई बात कर लूं, या फिर हम ढूंढते हैं वही चीज
जो है वो जगह के बजाय किसी चीज में, लाइक मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे बंगला मिल जाए, जब आपकी आपकी ऑब्जेक्टिव्स में बेजान नॉन लिविंग थिंग्स होंगी तो उसमें जान कहाँ से आएगी? सही बात। आप मोटिवेट कैसे होंगे? और जब वो चीज मिल भी जाएगी आपको तो उसके 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद आपके लिए वो चीज बिल्कुल ही नहीं, नॉर्मल हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। मुझे एक और मौला अली अलैहि सलाम का फरमान याद आ रहा है, आपका फरमान है कि लोग जो है वो मोहब्बत के लिए चीजें इस्तेमाल के लिए है, लेकिन बात तब बिगड़ती है जब हम चीजों से प्यार करने लगे लोगों को इस्तेमाल करने। एग्जैक्टली, तो यही हो रहा है हमारे सराउंडिंग में। और हमारे इस सोसाइटी में वही लोग कुछ अच्छा काम कर पा रहे हैं कि जिनके ऑब्जेक्टिव में जो नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है, लिविंग थिंग्स है, यानी इंसान है। आप देखिए कि अक्सर हम रेप्यूटेबल समझते हैं ना उस बंदे को जो अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रहा होता है उसके, यानी आप ज्यादातर नोट कर लें कि जो कमिटेड लोग होते हैं वो अपनी फैमिली से बड़े सिंसियर होते हैं, बड़े लॉयल होते हैं, और यही वजह होती है कि वो कुछ ना कुछ अचीव करते हैं। फिर अगर इसी विजन में, यानी अपने इसी रडार के अंदर अगर वो अपने मोहल्ले वालों को भी इंक्लूड कर लें, अपने फ्रेंड्स को भी कर लें, फिर शहर को कर लें, फिर सूबे को कर लें या मुल्क को कर लें, तो वो उससे और बड़ा काम कर जाते हैं। सही, मतलब ये बेसिकली ये विजन होता है जो आपका आपको डिफाइन करता है कि कहाँ तक आपकी नजर है, कहाँ तक आप सोचते हैं, कितनी बड़ी सोच है। वो भी एक चीज है कि मैंने कहीं पे कॉर्ड पढ़ी थी कि अपने दिमाग को डॉक्टर साहब अपने लिए इस्तेमाल करें, अगर आप अपने फायदे के लिए नहीं करेंगे तो लोग अपने फायदे के लिए करेंगे। Exactly. ये बिल्कुल सही बात है, इस पे ज्यादा हम बात भी करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछा था कि कौन सी दुआएं हैं, हमें अक्सर चीजें जो बेसिक छोटी छोटी चीजें जो हमें पता नहीं है, कैंसर के लिए कोई ऐसी दुआ है? देखिए, जिन्हें भी कैंसर है वो बेशक कीमोथेरेपी या कोई भी हर्बल ट्रीटमेंट जो कैंसर के हवाले से है उनको जरूर करें। इसमें वो तमाम कुरानी आयात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरीजों को बताई जो कैंसर ज़्यादा थे उस दौर के, और वो वीक्स में यानी चंद हफ्तों में शिफायाब हुए, उन तमाम आयात को जमा किया गया और उनकी तिलावत की गई, और उसको रुकैया शरैया के नाम से पूरा नेट पे मौजूद है, रुकैया शरैया यूट्यूब पर मौजूद है। जब आप उनको सुनना शुरू करते हैं तो उसके असरात बाकायदा लोग अपने आंखों से मुशाहिदा करते हैं। बिल्कुल होते हैं डॉक्टर साहब, जैसे हम कुछ बात करें, आपने कहा ना रेडिएशंस होती हैं, बिल्कुल होती हैं। इस पे हम ज्यादा बात भी करेंगे। यहाँ पे एक कॉल भी हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अदा, केर गलाया था? अवशा बड़ो जो गलाया कराची गुलिस्तान जोहर का जी। अदा ताकि है और ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ऐसा रहे। कुछ पूछना प्रोग्राम के हवाले से? साईं डॉक्टर नाज़िर साहब लाए गलाया रहो थोरो। जी जी, आप पूछो बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैंने ये अर्ज करना था कि आपके आने से, बच्चे कहते हैं ना कि 4 चांद लग जाते हैं, मगर आपके आने से 14 चांद लग गए प्रोग्राम में माशाल्लाह। मैं इनकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ, सॉरी। आवाज समझ नहीं आ रही जी, जी क्या दोबारा कहिए? मेहमान के आने से 4 चांद लग जाते हैं, मगर आपके आने से 14 चांद लग गए प्रोग्राम। अच्छा अच्छा, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, और थैंक यू सो मच आपकी कॉल के लिए। सही बात है डॉक्टर साहब, जब भी आते हैं वाकई में 4 चांद के बजाय 14 चांद लग जाते हैं, और डॉक्टर साहब अच्छे तरीके से हमें गाइड करते हैं। काफ़ी चीज़ें डॉक्टर साहब बेसिक से पता नहीं होती हमें, वो होनी चाहिए। आप बात कर रहे थे जी, जी कुरान हकीम की इन आयात को जमा करके जब रुकैया शरिया के नाम से इन्हें सुनना होता है, ये तकरीबन 1.25 घंटे की एक सीडी है। सही, सीडीज भी मिल जाती हैं बाज़ारों में, वरना YouTube से भी अगर डाउनलोड करेंगे तो 1.25 घंटे की तखमन ये है। अच्छा। और इसकी फिर जो साइंसदान जमा थे सऊदी अरब में, उन्होंने एक डोज बताई कि इस इन कुरान की आयात को 3 मरतबा सुबह, 3 मरतबा दोपहर और 3 मरतबा रात सुना जाए इनको। और मरीज़ जो कैंसर का मरीज़ है ख़ास तौर से, वैसे तो वो मरीज़ जिनका लीवर ट्रांसप्लांट होने वाला है, यानी लीवर डैमेज हो चुका है, किडनी फेलियर हो चुके हैं, वो भी इसे सुन सकते हैं, लेकिन कैंसर के हवाले से ये रुकैया शरैया ज़्यादा मशहूर हुई। सही, 15 से 20 दिन में रिजल्ट आता है इसका। अच्छा जी, मेरे पास तो सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं, आपने माशाल्लाह सेंटर देखा है, वहाँ रोज़ाना 30-40 मरीज़ कैंसर के आते हैं, और ये तकरीबन 1 हफ्ते ये सिलसिला, जो मैं पाकिस्तान में 1 हफ्ता होता हूँ हमेशा, हर महीने तकरीबन आता हूँ मैं, तो ये चीज़ें हमने मलेशिया में भी देखी कि मलेशिया में इसके बगैर इलाज का कोई तसव्वुर नहीं है कैंसर का खास तौर से। सही। वो कहते हैं कि ठीक है, हमने कीमोथेरेपी दी है, रेडिएशन थेरेपी अपनी जगह सब है, लेकिन इन चीज़ों को कामयाब करने के लिए वो सीडी, और बल्कि आप वहाँ तो वो जो मेमोरी कार्ड टाइप का होता है उस, वो दिया जाता है हर मरीज को कि अपने मोबाइल में लगाइए और 24 घंटे आपने इसको सुनना है। सही। और 15 से 20 दिन में कैंसर के रिजल्ट लिए जाते हैं वहाँ पर, और इसकी निशानी ये होती है कि ये तकरीबन मैं अब तक 500 से ज़्यादा मरीजों को ये देख चुका हूँ कि जैसे ही रुकैया शरैया सुनना शुरू करते हैं तो 3रे-4थे दिन मरीज़ की तबीयत
ज़रा सी बिगड़ना शुरू होती है, हैवी, क्योंकि वो रेडिएशन बर्दाश्त नहीं कर रहा। और एक ख़ास बात क्या है कि मरीज़ बर्दाश्त नहीं कर रहा, उसके साथ जो उसका अटेंडेंट बैठा है उसे कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, ये एक अजीब बात होती है कि वो मरीज़ की हालत बिगड़ना शुरू होती है, फिर पाँचवें छठे दिन उसको वॉमिट्स शुरू होती हैं ग्रीन कलर की। अच्छा। और आठवें नवें दिन उसको लूज़ मोशन, वो भी ग्रीन कलर के शुरू होते हैं। अच्छा। ये सिलसिला तकरीबन 7-8-10 दिन जारी रहता है और 20 दिन के बाद वो लूज़ मोशन वगैरह रुक जाते हैं, और एक दो वॉमिट्स होती हैं जो कि बिल्कुल एक येलो कलर की होती हैं। इसके बाद मलेशिया में ये कहा जाता है कि अब आप जाएँ और अपना टेस्ट कराइए, CA-125 या 153 वगैरह, तमाम टेस्ट, वो जो रिलेटेड टेस्ट है उसका, और दीगर CT स्कैन वगैरह, ये सब प्रोसेस से गुजारने के बाद 60-70% मरीजों में कैंसर क्लियर हो जाता है। अच्छा। नो कैंसर, कैंसर फ्री हो जाती है बॉडी। अब इसके बाद एक मरहला ये होता है कि इस वजह से कि उसको वॉमिट्स हुई, लूज मोशन हुई, मिनरल्स की कमी हो गई और जिस्म में जान उसकी जो जहर के हेमोग्लोबिन भी नीचे आता है और उसके जो मिनरल्स हैं वो नीचे आते हैं, तो उसके लिए फिर अब वहाँ थेरेपी, एक इंटेलिजेंट डॉक्टर होना चाहिए जो उसको अब इस कंडीशन से बाहर लाए, क्योंकि अब ये मसला पैथोफिजियोलॉजिकल रह गया है। सही। और वो जो एक कंडीशन थी, ये तिब्बे नबी का इतना बड़ा करिश्मा है कि यूरोप में इस चीज़ को लिया जा रहा है, ऑस्ट्रिया के कई डॉक्टर्स हैं जो प्राइवेटली इसको कर रहे हैं, गवर्नमेंट के सतह पर तो नहीं है, लेकिन वहाँ के क्रिश्चियंस डॉक्टर्स इन रुकैया शरिया सुनवाते हैं अपने मरीजों को, क्रिश्चियन मरीजों को। मतलब बहुत बड़े फायदे की बात है अगर हम दुआ सुन के उसकी रेडिएशन से हम सही हो रहे हैं, या सही बात है आपकी, क्योंकि हम नमाज भी पढ़ते तो वो सुकून मिल रहा होता है, एक इंटरनल जो पीस है, पीस ऑफ माइंड जो आपका है जो खो जाता है कहीं, अगर आप नमाज पढ़ते हैं, सजदा अदा करते हैं, तो आपको वही चीज़ जो है वो फील हो रही होती है, मिल रहा होता है वो सुकून आपको, वो भी इसकी शायद रेडिएशन से, दुआओं की। अच्छा डॉक्टर साहब, और भी चीज़ें जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, फलों के हिसाब से हमें बताएं, सब्जियों के हिसाब से, कैंसर जब हो जाता है तो उन पेशेंट्स को क्या चीज़ें जो ज़्यादा खानी चाहिए? बिल्कुल, इसमें कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जिनका अहादीस में तस्कर आया है और कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिन्हें मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस ने हमें दिया है, और इसमें सरे फहरिस्त जो अहादीस में है वो बार्ले बहुत ही कारामद है। इसमें बार्ले वो चीज़ है जिसे हम जौ कहते हैं, जौ का दलिया। अच्छा। जौ का दलिया तलबीना के नाम से अहादीस मुबारक में है। अच्छा। और बुखारी और इब्ने माजा की अहादीस में ये बताया गया है कि हज़रत एक साहबी हैं, उनके उनवान से, उनके रेफरेंस से कि इसे इस्तेमाल किया जाए, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये मरीज़ के दिल से गम को उतार देता है और मरीज़ के दिल को रिफ़्रेश करता है एक तरह से ये, और ये बताया कि जिस्म को इतना धो देता है जैसे तुम अपने चेहरे को पानी से धोते हो। सही। तो ये ग़िज़ाएँ फिर सुबह नहार मुँह, इसका बताया गया है कि आप सुबह सवेरे जौ का दलिया की एक प्लेट, उसे दूध में पकाया गया हो और उसमें फिर शहद डाला जाए, ये इस्तेमाल किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, और भी क्या चीज़ें, और कौन सी डिशेज हैं, या जो है वो किस तरीके से हम पकाएं तो हमें हमारे लिए फ़ायदेमंद है, इस पर भी हम बात करेंगे। यहाँ पे ब्रेक का टाइम हुआ है। राव, थैंक यू सो मच कि आप हमारे पास आए, अपना कीमती टाइम निकाल के आपने हमें गाइड किया, हमारे जो बच्चे हैं उनको गाइड किया, क्योंकि आप यहाँ पे बैठे हैं ये भी एक मोटिवेशन है, मैं भी यहाँ पे बैठी हूँ तो एक मोटिवेशन है, ये यंगस्टर्स हैं जो भी लोग देख रहे हैं डॉक्टर साहब यहाँ पे, तो एक मोटिवेशन है उनके लिए। आप आए, आपने जो अपनी बातें की, मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे, कुछ मैसेज देना चाहें यहाँ पे व्यूवर्स को, देखने वालों को, हमारे यंगस्टर्स को? जी बिल्कुल, बस ये कहूँगा कि आप तीन चीज़ों का बैलेंस मेंटेन करें, जो कि हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। मतलब अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि या तो वो हेल्थ पे ज़्यादा फोकस होता है या वेल्थ पे, या फिर हैप्पीनेस के पीछे ज़्यादा फोकस होता है, तो आप इन तीनों चीज़ों को मेंटेन करें, इनका बैलेंस मेंटेन करें, और इसी से ही आपकी लाइफ पीस में आ सकती है, आपको सुकून मिल सकता है और आप एक पीसफुल लाइफ गुजार सकते हैं। सही। थैंक यू सो मच, एक बार फिर से मैं कहूँगी आप हमारे पास आए, आपके पास टाइम कम था फिर भी आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन तव्हांखे ॿुधायूं की ब्रेक जो टाइम थियो ऐं गॾो गॾु इहो बि ॿुधाईंदी हलां त असांजे अॼु जे प्रोग्राम खे नेस्ले एवरीडे वारनि तावन कयो आहे, ऐं पाकिस्तान जे लाइ, पाकिस्तानियुनि जे लाइ ॾाढे फ़ख्र जी, ॾाढी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे, हिकिड़ो एज़ाज़ आहे कि असां गिनीज़ बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड जेको आहे वॾे में वॾो जेको मिक्स चांहि जो सॉसपेन आहे असां उहो ठाहिण में असां कामयाबु थी विया आहियूं, जंहिंमें हज़ारे कप चांहि जेका असां ठाही आहे, ऐं असांखे बि जॾहिं मिक्स चांहि, ख़ासि मिक्स चांहि ठाहिणी हुजे त असां रेड बैंड वारो नेस्ले एवरीडे जेको ख़रीद करे सघूं था, 250 या 650 ग्राम जो जेको नेस्ले एवरीडे जेके पैकेट्स आहिनि उहो बि ख़रीद करे सघूं था, हू बि साशी में बि दस्तियाबु आहे, त फ़ाइदेमंद आहे, तव्हां पंहिंजे पर्स में बि रखी सघो था जिते तव्हां चांहि जो मूड थिए, छो त असां पाकिस्तानी जेके इलाही एडिक्टेड आहियूं चांहि जा, ॾाढे शौक़ सां पीअंदा आहियूं, त असां उहो पी सघूं था। हिते टाइम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो थियो आहे, कीप वॉचिंग सलाम सिंध।
पहली कार चंदी खुश आमदीद चंदी एक दफा भी है सभी प्यार मानून के असा अज के प्रोग्राम के नेस्ले एवरी डे वन तमाम नेस्ले एवरी डे वन जिन्हें असो गिनीस वर्ल्ड बुक गिनीस बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो वो कायम किया है जैमें सभी पाकिस्तानी भी साथ दिनों नेस्ले एवरी डे वन भी असो साथ दिनों असो सुो मिक्स चाय वे में वो मिक्स चाय जो उन सॉसपेन ठाण में कामयाब थी वियासी अस उनमें जो रिकॉर्ड है वो भी कायम किया इताद जो है वो भी शो थो असानी जो मोहब्बत वह भी शो थी तुम भी नेस्ले एवरी डे वी सोता अगर तुम मिक्स चाय पे घर में ठाण चाहो था तो तुम नेस्ले एवरी डे वी सोता है रेड बैंड वो नव नेस्ले एवरी डे जो है वो भी तुम खरीद कर सोता है वी सोता ढे शौक से अस पींदा आयो ढे शौक से अस सब नेस्ले एवरी डे पींदा आयो ओरिजिनल टेस्ट जो है वो तमाम घो जरूरी हों नेस्ले एवरी डे की चाय है उन ओरिजिनल टेस्ट उनको खुशबू है वह ही तक एक्टिव कर छी है ढो मैं तो ढे शौक से पींदी आया तुम भी पी सोता तक बुधा कि पर्सनैलिटी भी जॉइन किया है डॉक्टर साहब हमेशा तो असर शो में ही ही भी ढे सुे अंदाज में असार के हवा से स्पेशली ढो सु गाइड क्या डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्जा अस्सलाम वालेकुम जी जी वालेकुम कैसे हैं आप ठीक ठाक जी शुक्र बहुत बेहतर थैंक यू सो मच कि आप भी टाइम निकाल के हमारे पास आ जाए डॉक्टर साहब से हमारी गुफ्तगू हो रही है हम कैंसर के हवाले से बात कर रहे हैं तो कैंसर के हवाले से हमें थोड़ा गाइड करें आप बच्चों में भी कैंसर जो है वो पाया जाता है पाकिस्तान में किस हवाले से मतलब क्या कौन सा कैंसर है जो ज़्यादा होता है देखिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी वजह यह है कि बच्चे ये जब सर्वाइव कर लेते हैं जब थोड़ी सी लाइफ पर पहुँचते हैं यानी चाइल्डहुड एज पे तो उस वक्त जब ये डिटेक्ट होता है कि इनको कोई कैंसर है तो टाइम गुजर चुका होता है जी। तो लिहाजा ये मैं इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ कि हमें शुरू में कुछ ऐसी कंडीशन डेवलप होती हैं जिससे डॉक्टर भी और पेरेंट भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को खुदा न खास्ता डेवलप कैंसर तो डेवलप नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो कॉमनेस्ट जो कैंसर बच्चों में पाए जाते हैं वो ब्लड के कैंसर होते हैं ल्यूकीमियाज कहलाते हैं वो। अच्छा। इसके अलावा बहुत से दूसरे किडनी के ट्यूमर्स कहलाते हैं जो है न्यूरो फाइब्रोमा है न्यूरो बहुत से जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स के हैं कुछ कैंसर डेवलप हो जाते हैं उसके अंदर जाके तो आप ये समझें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और हम जो है इनको इस तरह से ले लेंगे कि बीमारियां जो बच्चे लेके आते हैं हमारे अमूमन उसमें दो तरह के डिविजन्स होती हैं एक वो होती है जो जेनेटिक्स होते हैं जी यानी अगर बच्चों अगर पेरेंट में कहीं या उनके कहीं रिलेटिव में कहीं कोई कैंसर पाए जाते हैं तो हमें वो डिटेक्शन जल्दी करना चाहिए बच्चों में एक इन्वेस्टिगेशन कर लेनी चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि वो जेनेटिकली बच्चों को वो डेवलप होना शुरू हो गया। एक वो चीज़ होती है कि जो पेरेंट जो जेनेटिक नहीं है लेकिन बच्चों में कुछ ऐसी कंडीशन हो रही है जैसे बच्चे बहुत कमज़ोर होना शुरू हो गए उनमें खून की बहुत सारी कमी होनी शुरू हो गई उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है तो अब ये एक तो जनरल से बात होगी ना कि हमारा बच्चा खा पी नहीं रहा है चलो भी आके दिखा दो लेकिन इतनी जनरल बात नहीं है हर बच्चा ऐसा नहीं होता कि उसकी ग्रोथ रिटायर्ड हो जाए और वो जो है वो खाना पीना बंद कर दे हेल्थ उसकी कम होना जाए उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन होती हैं वो आके हमारे पास आते हैं हम इन्वेस्टिगेट कर सिंपल टेस्ट हैं कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं होते और डिटेक्ट कर लिए जाते हैं जिसकी वजह से जो है ये बच्चे बहुत से इन बीमारियों से बच जाते हैं। सही डॉक्टर साहब इस पर हम ज़्यादा बात भी करेंगे सेंसिटिव इशू है एक तो दूसरी बात कि बच्चों में अगर ये चीज़ हो रही है तो ये और ज़्यादा सेंसिटिव ये चीज़ हो गई आपसे भी मैं पूछना चाह रही हूँ डॉक्टर नाजिर आप हमें थोड़ा गाइड कीजिए थोड़ा हमें बताइए आपने बात की कि फल जो हैं कौन से हमें खाने चाहिए कौन सी चीज़ें जिनसे परहेज करनी चाहिए बड़े जो लोग हैं हमारे अंदर कौन सी इकसाम है कैंसर की कहाँ कहाँ कैंसर जो है वो पाया जाता है। देखिए कैंसर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि खून के कैंसर भी आजकल बहुत ज़्यादा आम है और बच्चों में ज़्यादा पाए जाते हैं बड़ों में भी हो सकता है खून के कैंसर और तकरीबन जिस्म के हर हिस्सा कैंसर ज़्यादा हो सकता है। अच्छा। उसके फिर मुख्तलिफ नाम हैं इंटेस्टाइन में यानी हमारी आंतों के कैंसर हैं मैदे के कैंसर हैं जिगर का कैंसर है और स्प्लीन का और पेंक्रियास का जो लबलबा है इस तरह से ब्रेन में ट्यूमर जहाँ भी होगा ट्यूमर दो किस्म के होंगे या तो वो बिनाइन यानी कि नुकसानदेह नहीं है जस्ट एक ग्रोथ हो गई है एक वो ट्यूमर होगा जिसमें कैंसर के सेल्स मौजूद हैं या वो कैंसर डेवलप हो चुका है तो ये जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई ट्यूमर हो सकता है। ख्वातीन में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर है बल्कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कैंसर ही ख्वातीन को हो रहा है। अच्छा सबसे ज़्यादा कैंसर इसकी वजह क्या समझते हैं इसकी मैं पाकिस्तान में जो मैंने स्टडी किया है जो एक तो वो वजह है जो पूरी दुनिया में कॉमन है। अच्छा एक दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान की ख्वातीन स्ट्रेस और डिप्रेशन का ज़्यादा शिकार रहती हैं उसकी वजह यह है कि जैसे मैं अपने मलेशिया की बात करूँगा आजकल मैं मलेशिया में हूँ इससे पहले मैं ऑस्ट्रिया जर्मनी में था जी वहाँ की ख्वातीन और हमारी ख्वातीन
हमारी ख्वातीन सुबह नाश्ते से लेकर रात खाने तक सारे काम करती हैं, कोई उनका छुट्टी नहीं होती, रोज़ाना काम करना है उनको, पूरी ज़िंदगी काम करना है, घर के बहुत सारे फिर रिश्ते और दूसरे मसाइल भी उनके सामने हैं, बच्चों के मसाइल भी, इतना बोझ एक खातून पे रख दिया जाता है कि वो उसके ज़ेर असर वो जो सिग्नल्स का निज़ाम है वो उसका मुतासिर होता है। सही। फिर वहाँ से वो चाहे साइंसदानों का एक तबका कहता है कि ये फंगस है, दूसरा कहता है ये सेल्स के हवाले से कि ब्रेन को सेल्स को सिग्नल नहीं मिल रहा, ये जो भी है, लेकिन ख्वातीन इस वजह से ज़्यादा, और फिर ग़िज़ाई आदात, सोने जागने के आदात, ये और फिर गांव देहात का ख्याल, सबका ख्याल रखने में हमारी अक्सर वालदाएं जो है वो अपना ख्याल नहीं रख पाती। एक और कॉल भी यहाँ पे हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ठीक है अभी? अल्हम्दुलिल्लाह, नाम ताह के हो, ठीक ठाक है वो? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। और थैंक यू, थैंक यू सलाम। वालेकुम अस्सलाम, ताह कुछ चाहो चाहिए तो आया करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ताह बिल्कुल दलाल अभी लगते साथ ता यो कुछ हो तो जिके ये आए तुम बुदाइन दिया कि इनसे जो हवाले था ताओ यो कुछ ना चाहेंगे अगर बी का ही तकलीफ हो जाए इंसान के तो वो उन्हें शेरा पड़ी सगन था या वो हलाए सगन था। हाँ बिल्कुल, तुम जो को जवाब है डॉक्टर साहब का सवट होता। थैंक यू सो मच तुम प्रोग्राम में शामिल हो नम थोड़ा आयो मुख्य ऐसी खुशी थी जैसे तुम कॉल कर आयो। वो पूछ रही है कि जो आपने जो दुआ बताई, जो आयत बताई, वो हम किसी और मर्ज के लिए भी पढ़ सकते हैं? हर मर्ज के लिए पढ़ना चाहिए उसको, बल्कि जैसे ही कोई मर्ज डायग्नोस हो जाए उसका आगाज कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी मर्ज अक्सर ऐसा होता है कि आगे जाके वो कैंसर या किसी लाइलाज मर्ज में तब्दील हो जाता है। बिल्कुल, तो शुरू से ही उसका एहतमाम करना चाहिए। जिन्हें छोटे अमराज हैं वो ये जो रुकैया शरैया मैंने बताया है ये YouTube से डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक मरतबा सुबह दोपहर बाकायदा डोज कितना, जैसे हम मेडिसिन लेते हैं टैबलेट्स या सिरप वगैरह, एक बार सुबह, एक बार दोपहर, एक बार रात लाजमी सुने अपने साथ, तो इंशाल्लाह इसके दो फायदे होंगे कि वो मर्ज आगे बढ़ने से रुक जाएगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, और वहीं से इंशाल्लाह जो अद्वियात आप इस्तेमाल कर रहे हैं और जो भी तरीके आप इस्तेमाल कर रहे हैं इंशाल्लाह उससे शिफा हो जाएगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे मैं पूछना चाह रही थी कि बच्चे जो है आपके पास कौन से बच्चे जो है ज्यादा ब्लड कैंसर वाले आते हैं, कैसे उनका इलाज किया जाता है? थोड़ा सा मैं ब्रेस्ट के बता दूं मेडिकली, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया बहुत अहम फैक्ट है ना, डिप्रेशन है, स्ट्रेस हमारा होता है, लेकिन एक्चुअली ये जो कैंसर है ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। अच्छा, बेसिक रिदम जो है इनकी वो हार्मोन चेंज होते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वगैरह के लेवल डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन वजह जो इसकी एक वजह बनती है वो ट्रामा बनती है। यानी ये ज्यादातर लैक्टेशनल जो मदर्स होते हैं जो बच्चों को दूध पिला रही होती है उनके बातों का बच्चों के कुछ सर टकर जाते हैं, कोई चोट लग जाती है, तो उससे क्या होता है कि वो ओवर लुक कर देती है, कहते हैं मामूली सी बात है कोई बात नहीं, वो जो एक गुठली सी बन जाती है वो बाद में जाकर डेवलप कर जाती है कैंसर में। हमें चाहिए कि जितने भी ट्रामेटिक इंजरीज हो रही हैं उनके या कोई मिल्क बच्चे को ओवर यानी अगर ओवर फ्लो हो रहा है बच्चे का मिल्क का, तो आप क्या कहते हैं हमसे, तो हम छोड़ देते हैं ना उसको, आप लाजमी निकाल दें। एक हमारे पास पंप्स आते हैं, अगर कोई चीज रिटेन करेगी तो वो पस बनाएगा और वो डेवलप होगी कैंसरस में, लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं होती, ये टाइम पीरियड होता है, साल दो साल तीन साल पाँच साल लगते हैं, लेकिन वजूहात की बात कर रहा हूँ ये होती है, यानी शुरू में इरिटेशन होगी हल्की सी इंजरी पे ये डेवलप हो जाता है। अब रही बात हमारे बच्चों में जो कैंसर आते हैं, हमारे यहाँ बच्चों में मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो कैंसर है वो ब्लड के ही होते हैं, लुकेमियास होते हैं, इसके अलावा कुछ दूसरी बीमारियाँ जो कि कैंसर नहीं है लेकिन डेंजरस है, जैसे थैलीसीमिया, ये बच्चों में हमारे यहाँ डेवलप हो जाता है। इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर के भी बच्चे हमारे पास देखे गए, हमारे पास किडनी ट्यूमर मेयर ट्यूमर होता है उसके भी देखे गए हैं बच्चे। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ जो बड़ों में पाए जाते हैं वो ट्यूमर थोड़ा डिफरेंट होते हैं, बच्चों के अलग होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और कॉल भी यहाँ पे हमारे साथ है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी, आप बिल्कुल बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रहे हैं। हाँ जी, मेरा मसला ये है की मेरी उम्र 42 है जी, मेरे बालों का मसला है, बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, और मेदे का मसला है, नाफियत हो जाती है, कभी गैस हो जाती है, और तीसरा मसला मेरा स्किन का है, जो हाथ हूँ और इतनी अजीब स्किन हो गई है, मैं काफी परेशान हूँ। मेहरबानी, कुछ पूछेंगे डॉक्टर साहब? जरूर, बड़ी मुश्किल से कॉल मिली है, अल्लाह का शुक्र किया है। अच्छा, थैंक यू सो मच आपने कॉल की। आप टीवी देखती रही हैं, डॉक्टर साहब आपको जवाब दे रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, बाल गिरने में तो मुख्तलिफ अवामिल हैं, खासतौर से ख्वातीन में हीमोग्लोबिन की कमी, उनके एनर्जी ताकत की कमी भी इसका शिकार,
अगर रात को देर से सोया जाए वो भी बाल गिरने का बाइस बनता है। इसी तरह अगर गलत किस्म के शैम्पू लोकल किस्म के अगर इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो ऐसे अज्जा साथ लिए हुए हैं जो बालों की जिल्द को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये तमाम चीज़ें देखनी होंगी कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो मुख्तलिफ साबुन इस्तेमाल करते हैं वो बाल गिरने का बाइस बन रहे होते हैं। सही। तो जिनका वज़न ज़्यादा होता है उनमें भी ये चीज़ देखी गई है कि बाल गिरने का रेशो ज़्यादा होता है। हम ये समझते हैं कि जो ख़वातीन दुबली पतली हैं कमज़ोर हैं तो इसमें अच्छी ग़िज़ाएँ ली जाएँ। अगर हम इस्लामिक तिब से देखें बाल गिरने का मसाइल, तो इसमें खजूर को बताया गया है। अगर इनका वज़न ज़्यादा नहीं है तो ये खजूरें इस्तेमाल कर सकती हैं। सही। और अगर 5 खजूरों को एक आधा खीरा जी जो कुकुम्बर खीरा है उसके साथ अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये बाल गिरने को भी रोकता है, हेमोग्लोबिन को भी बेहतर बनाता है, जिस्म में ताकत और कुव्वत लेकर आता है। तो ये एक बहुत आसान सा नुस्खा है जो अक्सर ख्वातें इस्तेमाल करती हैं। लेकिन ये कि अपने जो शैम्पूज़ वगैरह हैं और इसको भी ज़रा देखा जाए, रात की नींद को बेहतर बनाया जाए और हफ्ते में 1 या 2 बार किसी अच्छे खालिस तेल की से मसाज भी किया जाए सर में। सही। वाकई में हम लोग आजकल ऐसी हमारी रूटीन हो गई, अक्सर हम लोग ऑयलिंग या ये चीज़ें नहीं कर रहे होते जिसके जो साइड इफेक्ट है बहुत ज़्यादा बुरे वो सामने आ रहे होते। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमें ये भी मैं चीज़ आपसे पूछना चाह रही थी कि आपने हमें गाइड किया कैंसर के हवाले से, ब्रेस्ट कैंसर जो है उससे बचा कैसे जा सकता है? देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की कि जो ट्रामाज हैं या कोई ऐसी चीज़ जो हिट करे लग जाए और उसके नतीजे में कोई दर्द पैदा हो वहाँ पर, तो बेहतर यह है कि फ़ौरन किसी स्पेशलिस्ट के पास पहुंचकर उनको चेक करा लिया जाए। मैमोग्राम वगैरह तक भी बात पहुंच सकती है, वहाँ एक इत्मीनान कर लिया जाता है कि अगर कोई ग्रोथ है तो वो किस नौयत की है और कितनी ख़तरनाक है या ख़तरनाक नहीं है। तो बहुत अच्छी अद्वियात हैं क्लिनिक्स में, उनसे वो मामला वहीं हल हो जाता है। अच्छा, ये रिक्यूरेबल है ना, ये ख़त्म हो जाता है? जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन अगर वो कैंसर में तब्दील हो चुका है तो फिर बाकायदा वो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाया जाए, वो देखेंगे और वो बताएंगे कि अगर कीमोथेरेपी है या रेडिएशन थेरेपी है या और क्या ट्रीटमेंट्स हैं हॉस्पिटल्स में। तो अगर ऐसा कोई भी अलामत हो, मैं यहाँ ये बात कहना चाहूँगा पाकिस्तानियों से कि अगर कैंसर या कैंसर की अलामत कोई भी पैदा होती है, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अच्छे हकीम भी हैं, अच्छे होम्योपैथिक भी हैं, लेकिन ऐसी सूरत में आप सिर्फ किसी हॉस्पिटल का रुख कीजिए, किसी भी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, वरना वो आपका वेस्टिंग ऑफ टाइम होगा। सही। तो फौरी तौर से हॉस्पिटल जाइए, वहाँ आपके टेस्ट हैं, वहाँ वो बताएंगे आपको मुख्तलिफ टेस्ट या अपने तजुर्बात के नतीजे में कि ये मर्ज किस हद तक जा चुका है। अगर कोई ट्यूमर या कोई ऐसी चीज़ ब्रेस्ट में मौजूद है तो वो उसके मुख्तलिफ टेस्ट करके उसकी कीमोथेरेपी, ब्रेस्ट कैंसर क्योरेबल है। सही। जी हाँ, जब तक कि उसकी ग्रोथ इतनी ना हो जाए और या हम लेट ना हो जाएँ हॉस्पिटल जाने में, तब तक वो मे भी जब शायद वो इनक्योरेबल हो जाए। लेकिन ये कि ब्रेस्ट कैंसर में कीमोथेरेपी का रेशो सबसे अच्छा है। सही। या कीमोथेरेपी के ज़रिए से ज़्यादातर जो कैंसर के मरीज हैं उनको क्योर कर लिया जाता है, आगे रेडिएशन थेरेपी वगैरह भी हैं और दीगर ज़राए भी इसमें हैं। सही। अच्छा, और डॉक्टर साहब आपने कहा डिप्रेशन से भी बचना चाहिए, डिप्रेशन की वजह से भी हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस जो है वो आ रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी ये चीज़ जो है वो आ जाती है सामने। बिल्कुल। और जब पेन हो, आपने कहा कि उसके लिए ये ज़रूरी है तहाँ सभी के बुधायूँ तो जैसे तहाँ सूर थी तो या अड़ी का तकलीफ है तो ये तमाम घणों ज़रूरी है कि तहाँ जल्दी सा वहीं के सुठे हॉस्पिटल में पाने चेकअप करायो या टेस्ट जो प्रॉपर टेस्ट है वो करायो, डायग्नोस थे तो उन्हीं टाइम उन इलाज जो है वो शुरू करें छड़न घुर्जे, या जो शे है वे स्टेज से वे नंढे स्टेज से ही उन्हें ख़त्म करण घुर्जे। अच्छा डॉक्टर साहब, कैंसर के हवाले से और भी हमें गाइड कीजिए, आपसे भी मैं पूछना चाहूँगी बच्चे जो हैं उनकी डाइट में क्या क्या चीज़ें जो हमें शुमार करनी चाहिए ताकि वो उस चीज़ से बच सके। जी देखिए, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बच्चों का रेगुलर चेकअप है। जी, अगर हम शुरू से बच्चों का रेगुलर चेकअप कराएं अपने डॉक्टर से तो मैं नहीं समझता कि बच्चा किसी किस्म के प्रॉब्लम का शिकार होगा। अगर बच्चा का शुरू में लग लें पे 3 महीने पे 6 पे साल पे 2 साल इस तरह से होता है, उनके ब्लड की इन्वेस्टिगेशन होती हैं, सबसे पहले चेंजेस अगर किसी चीज़ में आती हैं तो ब्लड में आती हैं, उसकी CP में आएंगी, उसके शुगर लेवल, उसका आयरन लेवल चेंज हो जाएगा। क्यों डॉक्टर साहब? इसी तरह बिल्कुल हम बड़े आसानी से, यानी वो देखें कि वो टेस्ट जो बहुत बड़े बड़े आगे जाके कराने पड़ते हैं, हम छोटे छोटे टेस्टों से इनको डिटेक्ट कर सकते हैं। ब्लड CP एक इतना सिंपल टेस्ट है, उसमें मॉडिफाई हो जाएंगे सर, अगर कैंसर डेवलप हो रहा है तो उसमें हमको प्रीमैच्योर सेल मिल जाएंगे। जो प्रीमैच्योर सेल हैं वो थोड़े से साइज में बड़े होंगे,
वो डिस्टर्ब करेंगे, बच्चा एनीमिक हो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मोटा हो रहा है, लेकिन बच्चे में खून नहीं बन रहा साफ साफ। आपने देखा सेल डिफरेंट है, आप समझ जाएंगे इसमें नॉर्मल सेल डेवलप हो रहे हैं, अब ये जाके आगे कैंसर सेल में डेवलप हो जाएंगे। सही, सही, सही। तो बड़ी आसानी से इसी तरह थैलेसीमिया है कि अगर हमने बच्चों को देखा कि उसकी जो ग्लोबुलिन लेवल चेंज हो रहा है, उसका बीटा अल्फा सेल जो है चेंज हो रहे हैं, तो हम समझ जाएंगे बच्चा थैलेसीमिया की तरफ जा रहा है या थैलेसीमिया माइनर की तरफ जा रहा है ये बच्चा, हमने डिटेक्ट कर लिया। एनीमिक बच्चे जो एनीमिक है, इनकी हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक बड़ी वजह वॉर्म्स हैं, कीड़े हैं पेट के। अच्छा। जिसमें सबसे ज्यादा वजह बच्चों के ये एनीमिक से बताएगा कैसे वो कीड़े जो है इनको खत्म किया जा सकता है, बच्चों को बचाया जा सकता है, डाइट कैसे प्रॉपर होनी चाहिए, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। ब्रेक का यहाँ पे टाइम हुआ है नाजरीन, ताकि बुधायूं कि असा जे प्रोग्राम के नेस्ले एवरी डे वारन तावन कयो है, ऐं नेस्ले एवरी डे वारन असा सभिन सां गॾिजी हिकिड़ो गिनीस बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड जेको आहे उहो क़ाइमु कयो आहे, ऐं हिकिड़ी ॾाढी ख़ुशकिस्मती जी ऐं ॾाढी एज़ाज़ जी ॻाल्हि आहे पाकिस्तान जे लाइ, पाकिस्तानियुनि जे लाइ, असां सभिनि जे लाइ, ऐं उन में असां सभु बि गॾु हुआसीं। ऐं नेस्ले एवरी डे वारा जेको वॾे में वॾो मिक्स चांहि जो जेको सॉस पैन है उहो ठाहिण में असां कामयाबु थी वियासीं। ऐं इते जेको टाइम आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो थियो आहे, ऐं ब्रेक खां बाद इनशाला अञा वधीक तफ़सीली गुफ़्तगु कंदासीं सिहत जे हवाले सां, जेका असांजी हुजणु घुरिजे प्रोपर, असांजी जेका गाइडेंस आहे उहा असांखे जॾहिं सुठा माण्हू जेके असांखे प्रॉपर जेके डॉक्टर्स आहिनि, क्वालिफाइड डॉक्टर्स आहिनि, असांखे गाइड कंदा पिया आहिनि, त उहे शयूं जेके आहिनि उहे असांखे नोट करणु घुरिजनि, छो त असांजे लाइ इहा फ़ाइदेमंद शयूं आहिनि ऐं असां इन्हनि जेके मूज़ी मर्ज़ आहिनि इन्हनि खां ईअं ई बची सघूं था जॾहिं असां एहतियात कंदासीं। हिते शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो टाइम थियो आहे, स्टे ट्यून, वी विल बी राइट बैक। भली कार चवंदासीं, वेलकम बैक चवंदासीं हिकु दफ़ो ॿीहर सभिनि प्यारनि माण्हुनि खे, तव्हांखे ॿुधायूं त असांजे अॼु जे प्रोग्राम खे नेस्ले एवरी डे वारनि ताबुन कयो, ऐं नेस्ले एवरी डे वारनि जिन हाणे रिसेंटली असां हिकिड़ो रिकॉर्ड जेको कॉम्पिटिशन हो उहो जीतियासीं, उन खां बाद असां हिकिड़ो रिकॉर्ड क़ाइमु कयो गिनीस बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड, जंहिंमें असां दुनिया में सभ खां वॾी जेका सॉसपेन मिक्स चांहि आहे उहा असां ठाहिण में कामयाबु थी वियासीं। असां सभु पाकिस्तानी गॾिजी एवरी डे वारनि सां गॾिजी असां मिक्स चांहि जेका आहे उनजो असां रिकॉर्ड ठाहियो, सॉसपेन मिक्स चांहि जेका वॾे में वॾो जेको सॉसपेन आहे उनखे ठाहिण जो असां रिकॉर्ड जेको क़ाइमु कयो आहे। उन में हज़ारे कप्स जेके आहिनि उहे असां ठाहिया आहिनि, ऐं उन में 5 लख खां वधीक तव्हां सभिनि पाकिस्तानी जूं मिस कॉल्स हुयूं, ऐं उन खां अलावा जेको मिस कॉल्स सां गॾु जेके 18,000 तव्हांजा जेके वॉट्स आहिनि इंटरनेट ते तव्हां उहे वॉट्स बि तव्हां कया, ऐं उहे सभु मिली करे जेको असां हिकिड़ो रिकॉर्ड ठाहियो, ऐं असांजे लाइ ॾाढे एज़ाज़ जी ॻाल्हि आहे पाकिस्तानियुनि जे लाइ। ऐं तव्हांखे अगरि घरनि में मिक्स चांहि ठाहिणी आहे त तव्हां रेड बैंड वारो नेस्ले एवरी डे नओं हाणे आयो आहे, रेड बैंड वारो नेस्ले एवरी डे उहो तव्हां ख़रीद करे सघो था, ऐं मिक्स चांहि जेका आहे उहा आसानी सां पंहिंजे घरनि में ठाहे सघो था, पंहिंजे प्यारनि खे पीआरे सघो था, पाण बि पी सघो था। ऐं असां हू बि चांहि जा ॾाढा शौक़ीन हूंदा आहियूं, ऐं जॾहिं चांहि हुजे नेस्ले एवरी डे जी, ऐं उहा ई ख़ुशबू ऐं उहा कड़क चांहि हूंदी आहे हिकिड़ी, पी तव्हांखे जेको आहे एक्टिव तव्हां फील कंदा आहियो। मां त ॾाढे शौक़ सां पीनी आहियां, जॾहिं पेंटिंग कंदी आहियां त चांहि जी ज़रूरत पवंदी आहे, ऐं उहा चांहि जेका नेस्ले एवरी डे जी हुजे त उन में वाह थी वेंदी आहे। ऐं गेस्ट असां सां जेके डॉक्टर साहिबान आहिनि उन्हनि सां असांजी गुफ़्तगू सिहत जे हवाले सां, कैंसर जे हवाले सां हले पई, तव्हां बि कॉल्स करे पंहिंजी क्यूरीज़ जेके आहिनि उहे पुछी सघो था। डॉक्टर साहिबु, हम जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनसे ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, आपकी मशीन जो है माइक्रोस्कोप कहेंगे इसको, क्या कहेंगे इसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। ये एक मलेशियन साइंटिस्ट की बनाई हुई मशीन है जो मलेशिया में हर जगह इस्तेमाल होती है। ये MVDM कहलाती है। अच्छा। जिससे हम माइक्रोवेस्कुलर सिस्टम जो हमारे जिस्म में है उसे हम देखते हैं बाकायदा। अच्छा। और किसी भी जिस्म में हमारे खून का दौरानिया कैसा है, क्योंकि अगर हम कैंसर की बात करें तो कैंसर उन लोगों को भी होता है, अगर किसी जिस्म के किसी हिस्से में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही जी। तो वहाँ भी कैंसर डेवलप हो सकता है, ये इसकी थ्योरी है। सही। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर ब्रेन ट्यूमर है फर्ज करें तो उस हिस्से में ऑक्सीजन का फ्लो क्या होगा, यानी ब्लड फ्लो क्या होगा जी। और उसका जो रिजल्ट आएगा उसके पैरामीटर्स को हम देखते हैं कि इसमें ऑक्सीजन कितनी पहुँच रही है, उस मर्ज़ में कितनी शिद्दत है। सही। ये इससे अंदाज़ा लगाया जाता है, इस तरह जिगर में या मैदे में या आंतों में इस मशीन के ज़रिए से पहुंचा जाता है। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें MRI की तरह एक पूरे मरीज़ को दाखिल नहीं किया जाता जी। आपकी सिर्फ ये रिंग फिंगर के ज़रिए से इससे डायग्नोसिस। अच्छा, प्रैक्टिकली करके अगर हमें आप दिखा दें तो व्यूवर्स को भी कुछ नया देखने को मिलेगा। और मैं भी ऐसा चाहती हूँ कि हमारे पास असां टेक्नोलॉजी सां असां फेमिलियर ना हूंदा त असांखे टेक्नोलॉजी सां फेमिलियर हुजणु घुरिजे, नयूं जेके शयूं अचनि पियूं उन्हनि खे एक्सेप्ट करे ऐं वक़्त सां गॾु हलणु घुरिजे। त मां चाहियां पई डॉक्टर साहब आप मेरा ही चेकअप कर दें, आप मतलब एक्टिविटी करके दिखा दें हमें कि ये वर्क कैसे करता है। तो वो एक
अवेयरनेस जो है वो क्रिएट हो जाएगी जी। ये रिंग फिंगर के थ्रू जी, रिंग फिंगर होगी बिल्कुल, जरा सा आगे लीजिएगा इसको। ये स्कैन करता है आपके बॉडी के जो इंटरनल सेल्स हैं उनको, ये ब्लड जो वेसल्स हैं ये उनको दिखाता है हमें। अच्छा, कि ब्लड वेसल्स हैं और किसी जिस्म के हिस्से में ये ब्लड वेसल्स कहाँ तक पहुँच रही हैं, क्या कैंसर ज़्यादा हिस्से में ब्लड का फ्लो बाकी है। अगर कहीं इत्तफाकन जैसे हम चेक तो कर रहे हैं किसी का हेपेटाइटिस जी, लीवर की कंडीशन, लेकिन वहाँ नज़र आया कि इसके मैदे में भी ब्लड फ्लो स्लो है, तो वहाँ पे कैंसर के टेस्ट मजीद फर्दर कराए जा सकते हैं। अच्छा, वहाँ स्क्रीन पे मैं जो सेल्स अंदर वेसल्स ब्लड वेसल्स हैं उनको देख रही हूँ। जी बिल्कुल सही। एक्चुअली इसकी जो पैथोलॉजी है जो डॉक्टर साहब ने बताया, एक्चुअली माइक्रो सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगा तो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। अच्छा। वो एबनॉर्मल माना जाता है। सही। तो इसलिए वो चीज़ें सारी डेवलप हो जाती हैं। ये एक इनिशियल स्टेज का बड़ा एक बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है ये। सही। ये आप देख रहे हैं कि आप माशाल्लाह बहुत हेल्दी वेसल्स आपकी आ रही हैं। अच्छा। और एक जो इस नहीं, वैसे भी मैं खाने पीने में काफ़ी वो करती हूँ, एहतियात करती हूँ और गंदी चीज़ें नहीं खाती, जंक नहीं खाती और एक्टिवली मतलब वैसे भी आपकी जो असा सभी जी असा के खबर है जो असि जी खातन भेणू असन पे उनके माँ ये चंदम कि हेल्दी शूं तुम घड़ी खाइंदा कर, हेल्दी शूं खाने से एक्टिव रहा है, तुम्हारी हूँ भी जनरली तुम्हारी फिजिक जो है वह भी एक्टिव हो, मेंटली भी एक्टिविटी एक्टिव हो तो वो तमाम घड़ो जरूरी होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोग अक्सर जो पेशेंट्स होते हैं वो आप क्या बता रहे MRI वो करवाने से असं डिजना जो मशीन जो है उनसे फेमिलियर ना फेमिलियर होजन घुर्जे, माइक्रोस्कोप के जरिए जैसे तीन इंटरनल बॉडी तेजे वेसल्स हैं उनके ऐसा तो समझा थी सुनो एक्सपीरियंस है तक खबर भी पे थी कि तुम केतरा हेल्दी है कड़ी शूं जिनकी डेफिशिएंसी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पूरी बॉडी को इंटरनली आपके स्कैन कर सकता है, ये दिमाग तक को कर सकता है, दिमाग को भी स्कैन कर सकता है, ब्रेन में कितना फ्लो है, किसी ब्लड सर्कुलेशन कैसा है। अच्छा। और उसी से फिर हम ये मलेशिया में ये रिवाज है कि MRI CT स्कैन जैसे यहाँ फ्रीक्वेंट जी फर्स्ट स्टेप के तौर पे कराया जाता है, वहाँ डॉक्टर्स इस मशीन के जरिए पहले मालूम करते हैं, उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। अच्छा। अगर वो देखते हैं कि बहुत सीवियर है इसके बावजूद तो कहीं जाके फिर CT स्कैन वगैरह की बात आती है। सही। वरना तकरीबन 50-60% डायग्नोसिस वो इस मशीन पे करते हैं। अच्छा। ये वजह है कि पूरे कुआलालंपुर में सिर्फ 11 लेबोरेटरीज हैं और अच्छा। हमारे शायद कराची में 1100 लेबोरेटरीज हैं जी, तो वहाँ डॉक्टर के पास इस मशीन का होना लाजमी है। अगर मेरे पास कोई पेशेंट वहाँ आता है तो मैं इस मशीन से देख के अंदाज़ा लगाता हूँ कि मुझे इसको क्या ट्रीटमेंट देना है और इसके टेस्ट क्या हैं और इसकी जिस्म की कंडीशन क्या है, जिस पर मैं किसी मर्ज़ की सीवियरिटी का अंदाज़ा लगाता हूँ। आपके तमाम ऑर्गन्स में जैसे मैं आपके हार्ट पर हूँ। अच्छा। आपका हार्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा फ्लो कर रहा है। अच्छा। इसमें स्क्रीन पे मैं अपना हार्ट देख, बिल्कुल आप अपना हार्ट देख रही हैं इस वक्त, हो सकता है हमें स्क्रीन पे भी नज़र आए, और अगर आप इसको फोकस कर सकें। जी जी, फोकस इनके कजो जी, मतलब वेसल्स का यहाँ पे पता चल रहा है, ब्लड फ्लो का पता चल रहा है, हेल्दी कितना है ये पता चल रहा है। अच्छा, हेल्दी नहीं होता वो भी पता चल जाता है, वो पता चलता है। इसमें जो कंडीशन आती है वेसल्स की, आपकी वेसल्स बिल्कुल ओरिजिनल उसमें है, शेप में है। अच्छा जी। और ज़िगज़ैग बने हुए नजर आते हैं उस जो हमारी वेसल्स हैं, और बाज वेसल्स तो बिल्कुल स्पॉट्स और राउंड हो जाती हैं, जिससे पता चलता है कि इसके जिस्म में सीवियर इन्फेक्शन मौजूद हैं। अच्छा। और कहाँ कहाँ इन्फ्लेमेशन हैं और ट्यूमर्स के हवाले से इसमें तमाम मालूमात ये मशीन देती है। सही सही। इसमें एक और ख़ास बात है कि अगर किसी को कैंसर है और मैं उस कैंसर के पेशेंट को डायग्नोस करना शुरू करूं तो जिस हिस्से में कैंसर होगा वो ग्रीन नज़र आएगा। अच्छा। इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ इस हिस्से में कैंसर के इम्कान हैं। सही। फिर हम उसके फर्दर जो टेस्ट हैं ब्लड टेस्ट खास इसके टेस्ट के बारे में भी आप बताएं, मैं हाथ हटा लूँ। जी बिल्कुल। ठीक है, आप इसके टेस्ट जो है वो भी हमें आप बताइए तफसील से। जी हाँ, अब मुझे बताइए डॉक्टर साहब, इस पर आप स्कैन जब करते हैं, जब डायग्नोस होता है उसके बाद क्या क्या टेस्ट होते हैं जो आप करवाते हैं? जी हम फर्दर जैसे मुख्तलिफ ऑर्गन्स के मुख्तलिफ टेस्ट हैं, CA 125, CA 153 वगैरह, ये तमाम टेस्ट होते हैं। इसके साथ साथ अगर ज़रूरत होती है तो मेमोग्राम जैसे ब्रेस्ट कैंसर के हैं वो करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड के जरिए मदद ली जाती है बाद में सॉरी, और CT स्कैन वगैरह ये सब किए जाते हैं।
लेकिन अक्सर वहाँ पर इसकी नौबत नहीं आती। अच्छा, मलेशिया में मैंने जो हमारे मेरे जो कोलीग्स हैं जिस सेंटर पे मैं हूँ मलेशिया में, वहाँ बहुत ही कम चांस है कि वो कहीं सीटी स्कैन वगैरह से मदद लें। पहले यहाँ से बात शुरू की जाती है, वहाँ बायोप्सी एक ऐसा है कि हम उस हिस्से की बायोप्सी लाजमी कराते हैं। अच्छा, क्योंकि बायोप्सी से फिर ये कन्फर्म हो जाता है और कैंसर की टाइप भी पता चलती है, और उससे ये फ़ायदा होता है कि उसको मखसूस अद्वियात या कीमोथेरेपी देने से वो मर्ज़ वहाँ रुक जाता है। लेकिन अर्ली डायग्नोसिस के लिए, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान में अर्ली डायग्नोसिस नहीं होती, बच्चे को या अलामतों को हम अहमियत नहीं देते। हाँ, इसी तरह और एक और भी इल्मी आए ना, हमारे पास थोड़ा भी सर में दर्द होता है, बुखार है, तो हम सेल्फ मेडिकेशन जो है वो कर रहे होते हैं, वो अपनी तरफ से दवाएं जो है वो दे रहे होते जी, हैं। वो सर का दर्द किसी ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है जी, और चूंकि हम जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की, हम चेकअप के आदि नहीं है। पूरी दुनिया में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हर 6 माह के बाद आपको लाजमी हॉस्पिटल जाना है, और आपके कंप्यूटराइज है उस पर रिकॉर्ड पे आएगा कि ये शख्स 6 माह बाद डॉक्टर के पास गया था, इसने अपने चेकअप कराया है, वो विजिट लाजमी है वहाँ पर। सही, तो ये हमें इन चीज़ों को साथ रखना चाहिए। मैं मतलब करना भी चाहिए, मतलब चेकअप आप करवाएंगे आपको इनिशियल स्टेज पे चीज़ें जो है काफ़ी पता चल जाएंगी। अच्छा डॉक्टर, आबिद आप हमें बता रहे थे कि रूटीन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए बच्चों की, कैसे हम उनको बचा सकते हैं, न्यूट्रिशन की आप बात कर रहे थे जी। हाँ देखिए, अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है जी। हमें जिस तरह ज़्यादा ये मीडिया है हमारे, अगर हम मीडिया से ज़रिए अगर हम अपना बच्चों तक ये चीज़ें जो है आप पहुँचाएँ और घरों तक घर पहुँचाएँ, तो मैं समझता हूँ हम बहुत सारा लोड कम कर सकते हैं बीमारियों का। हम सी कि मीडिया जो है हमारा टीवी और ये हर घर में मौजूद है, एंड डॉक्टर साहब बिल्कुल इतना आसान तरीके से आप ये हर घर में ये चीज़ें पहुँचाएँ कि आप चेकअप किस तरह से होता है, अलामतें किस तरह से होती हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है, जब तक आप इंटरेक्शन में नहीं आएंगे डॉक्टर के साथ, आप मुख्तलिफ बीमारियों में ऑटोमेटिकली डेवलप होंगे, डिप्रेशन का शिकार होंगे। इसलिए कि हर 6 बीमारी में से 4 बीमारियां तो आप में पाई जाती हैं। एक आदमी देखता है 6 बीमारियां पड़ी, उसने 4 तो मेरे में पाई जा रही हैं। अब वो 4 जो वो अपने आप फाइंड आउट कर रहा है वो गलत पैमाने पर कर रहा है। वो ऐसा नहीं है कि हर वो 4 उसमें पाई जाएंगी। आपको चाहिए अगर आपको 2 या 3 आपको शक हो रहा है, अपने डॉक्टर से रुजू करें आप, स्पेशली बच्चों के मुतालिक, और या जैसे बड़े हैं जैसे ट्यूमर है, ये जो मशीन है हमारे यहाँ से आते हैं, हमारे यहाँ देखिए बायोप्सी का कंसेप्ट बहुत कम है जी। और बायोप्सी इतना अहम टेस्ट है कि आपको सारे सेल बता देता है, आपको माइक्रोस्कोपिकली हम डील कर लेते हैं किस हिस्से में कितना है, क्या है, मेटास्टेसिस हुआ है नहीं हुआ, क्या मतलब हुआ। लेकिन हम वहाँ कहेंगे नहीं सर ये बड़ा ऑपरेशन हो रहा है हम नहीं कराएंगे, लोग अवॉइड करते हैं, जबकि ऐसा नहीं। इन्वेस्टिगेशन का शोभा एक बहुत इंपॉर्टेंट शोभा है। सबसे पहले आपने डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको बताएगा, कैलकुलेट करेगा कि आपको कौन से टेस्टों की ज़रूरत है, आपको किस किस्म के डाइट की ज़रूरत है। डाइट देखिए एक जो स्टेटस का या लो स्टेटस का बंदा हो वो अपने बच्चों को अच्छा ही खिलाता है किसी भी तरह से आप कर लें। अच्छा है, अगर उसको अवेयरनेस है तो वो हर वो चीज जो डॉक्टर को इंस्ट्रक्शन दे रहा मैं समझता हूँ फॉलो करेगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, न्यूट्रिशन के लिए और भी क्या चीजें जरूरी है, इस पे भी हम आपसे भी बात करेंगे, आप ही हमें गाइड कीजिएगा। यहाँ पे ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। नाज़रीन तव्हां खे ॿुधायूं की असांजो अॼु जो प्रोग्राम के नेस्ले एवरीडे वारनि तव्हां कयो आहे, ऐं असां गिनीज़ बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड जेको आहे उहो असां ठाहिण में कामयाब थी विया आहियूं। ऐं इहो बि ॿुधाए था हलूं त नेस्ले एवरीडे सां असां नओं हाणे नेस्ले एवरीडे आयो आहे रेड बैंड वारो नेस्ले एवरीडे। असां जॾहिं बि मिक्स चांहि ठाहींदा आहियूं असांखे नेस्ले एवरीडे जी ज़रूरत पवंदी आहे, ऐं तव्हांखे बि अगरि मिक्स चांहि ठाहिणी आहे, सुठी मिक्स चांहि ठाहिणी आहे, त तव्हां हीउ स्पेशल पैक आहे जेको तव्हां वठी सघो था, ऐं रेड बैंड वारो हाणे नओं बि आयो आहे उहो बि तव्हां ख़रीद करे सघो था। ऐं जेका ख़ासि स्पेशल चांहि आहे जेका मिक्स चांहि आहे उहा घरनि में असां आराम सां ठाहे सघूं था। हिते एवरीडे जेको असां ख़बर आहे की जेको पाकिस्तान जो सभिनि खां वॾो मां चवंदमि की ब्रांड आहे, ऐं असां सुठा क्वालिटी ब्रांड्स जेके आहिनि उन्हनि खे असां घरनि में यूज़ कयूं त इहो सुठो हूंदो आहे, असांजी सिहत जे लाइ ज़रूरी आहे। हिते ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ऐं इनशाला ब्रेक खां बाद वधीक असां डॉक्टर साहिबनि सां जेका कैंसर जे हवाले सां ऐं असांजी सिहत जे हवाले सां न्यूट्रिशन जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं, ऐं तव्हांजो कॉल्स बि वठंदासीं इनशाला, ऐं गुफ़्तगू जेका आहे उहा जारी सारी हूंदी। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आहे, सफ़ा नंढो ब्रेक आहे, वञो कालेम न आहे, ॾिसां रहिजो सलाम सिंध।
वेलकम बैक चंदासीं भलीकार चंदासीं सभिनि सोणनि सभिनि पैरनि माण्हुनि खे हिकु दफ़ा ॿीहर ऐं ॿुधाईंदा हलूं त असांजे अॼु जे प्रोग्राम खे नेस्ले एवरीडे वारनि तामन कयो आहे ऐं असां गिनीज़ बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड जेको आहे उहो ठाहे चुका आहियूं ऐं वॾे में वॾो जेको सॉसपेन मिक्स चांहि जेका असां सॉसपेन में ठाहींदा आहियूं उहो असां ठाहे चुका आहियूं उनजो रिकॉर्ड असां क़ाइमु करे चुका आहियूं ऐं उन में असां हज़ारे कप्स जेके आहिनि उहे चांहि जा असां ठाहिया आहिनि उन में पाकिस्तानी सभिनि गॾिजी नेस्ले एवरीडे वारनि सां इन रिकॉर्ड ठाहिण में असां जेका आहे कामयाबी हासिलु कई आहे ऐं तव्हां बि ख़ासि चांहि जेका उहो पंहिंजे घर में ठाहे सघो था रेड बैंड वारो हाणे नेस्ले एवरीडे नओं आयो आहे रेड बैंड सां उहो तव्हां ख़रीद करे सघो था पंहिंजे घर में ख़ासि चांहि जेका आहे उहा पाण बि ठाहे सघो था पंहिंजे प्यारनि खे पीआरे सघो था सुठो हिकिड़ो बहानो बि असां जॾहिं टी पार्टीज़ कंदा आहियूं त सभु गॾिजी वेंदा आहियूं ऐं जेका संगत साथ पंहिंजी फैमिली पंहिंजा दोस्त उहे सभु असां गॾिजी जॾहिं पार्टीज़ कंदा आहियूं त चांहि तमामु घणी ज़रूरी आहे ऐं तव्हांखे एक्टिव कंदी आहे नेस्ले एवरीडे अगरि हुजे त अञा वधीक उन में मज़ो अची वेंदो आहे ऐं डॉक्टर साहिबान असां सां गॾु मौजूदु आहिनि उन्हनि सां असांजी गुफ़्तगु सिहत जे हवाले सां हले पई आप न्यूट्रिशन की बात करे देखिए बेसिक प्रॉब्लम है न्यूट्रिशन का है वो बच्चे हों या बड़े हों सबसे पहले जो हमारे यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी को मजबूत होना चाहिए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इसको जो भी सुपरवाइज करे हुकूमत करे वो अपने रूल रेगुलेशन के तहत करे इस्लामीज़म के तहत करे ये भी ज़रूरी है कि जो भी डाइट आप डिलीवर करते हैं आप मुल्क में आती है वो देहातों में जाती है शहरों में जाती है अगर वही नाकिस है अगर वही रूल के तहत नहीं है जो जो उसूल के तहत जो है आपके लाइफ के तो आप डेफिनेटली आप समझिए कि क्या कुछ डेवलप नहीं हो पाएगा और ऐसे कुछ हो रहा है हमारे मुल्क की बहुत ज़्यादा डिफरेंट कंडीशन है दूसरे मुल्कों के मुकाबले में या तो हमारे पास हमारे जो हमारे हुक्मरान हैं या बड़े लोग जो अथॉरिटी चला हो इनके पास है उनके पास अपने पाए अवेयरनेस नहीं है कि हमें किस तरह से ये चीज़ें डेवलप करनी चाहिए न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट को कहा जाता है और बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें क्वालिटी पाई जाती हो एनर्जी लेना एक ये नहीं होता कि एनर्जी आपको अगर 230 या 400 या 3000 एनर्जी मिल रही है लेकिन हमें वो रिसोर्सेज देखने हैं कि हमें वो रिसोर्सेज क्या है किसके तहत हमें वो एनर्जी मिल रही है हमारे साथ हमको जितनी भी चीज़ें जो चीज़ हम यहाँ लेते हैं वो ऑयल हो वो कार्बोहाइड्रेट हो वो प्रोटीन हो देखिए तीन चीज़ें जो हैं बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं ये प्रोटीन है उसमें फैट है और कार्बोहाइड्रेट है जब आप यही सही नहीं देंगे तो आपकी ब्लॉक ही मजबूत नहीं होगी फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी तो आप किस तरह से आगे जाके आप डेवलप कर सकते हैं या एक अच्छे इंसान या एक मजबूत इंसान बन सकता है हमारे यहाँ बहुत और भी यहाँ पे हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब हेलो अस्सलाम वालेकुम ड्रॉप थी वही तव्हां ॿीहर कॉल कयो इनशाला तव्हांजी कॉल जेका लॻी वेंदी आहे क्यूरी जेका आहे उहा तव्हांजे असां ते पहुची वेंदी जी डॉक्टर साहब या तो हमें ज़रूरी है कि ये चीज़ें मिलनी चाहिए लेकिन एक अच्छी बात ये है कि हमारे यहाँ कि जो भी डॉक्टर सरात मौजूद हैं जो भी पेडाटिशियन हैं या वो आते हैं हम उनको गाइडलाइन देते हैं उनको और ये बहुत बेहतर काफ़ी हद तक ये हुआ है कि हमने ओवरकम किया है बीमारियों को हमने मैंने दी है उनको समझाया है उन बच्चों को और वो बच्चे समझ में भी आए फिर सारा वेट कर लें हर बच्चा जो मोटा ताज़ा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हेल्थी हो एक बच्चा जो दुबला पतला है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हेल्थी हो उसके आपने पूरी जैसे बताया कि ऑक्सीजन लेवल है दूसरी चीज़ें देखनी पड़ती हैं ब्लड सर्कुलेशन है कार्डिक प्रॉब्लम्स हैं ब्रेन के सारा आप देखेंगे तो बच्चा हेल्थी माना जाता है अकॉर्डिंग टू वेट अकॉर्डिंग टू उसकी जो है एनर्जी वैल्यूज के हिसाब से हमारे यहाँ ये चीज़ें इतनी सही नहीं पाई जाती जिसकी वजह से सॉरी तो हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ पाया जाता है वो डाइट का ही होता है ना कहीं किसी बच्चे में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिल रहा है किसी को प्रोटीन ज़्यादा मिल रहा है किसी को फैट ज़्यादा मिल रहा है ये इम्बेलेंस हो गया हालांकि जो आप पेरेंट्स से पता करेंगे तो पेरेंट कहेगा हम तो अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर रहे हैं जैसे लगा डॉक्टर ने कहा हमने उनको दे दिया जाके हमने उनको खिला दिया पिला दिया लेकिन ऐसा नहीं हुआ इन्फेक्शन हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं अब ठीक है आप एक डाइट अच्छी ले रहे हैं लेकिन ये जरासीम जो बाहर पाए जाते हैं आप देखें जो बाहर जो पुअर सैनिटरी सिस्टम है आपके बाहर के जो कचरा कुंडी है और ये सब चीज़ें जो पाए जाते हैं ये सब कुछ क्या है ये आप हेल्थी आदमी को भी क्या जर्म नहीं लगेंगे एक हेल्थी बच्चा है हमारे यहाँ स्कूल जा रहा है एक स्कूल में एक बच्चा जो अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है लेकिन वो बाहर निकल रहा है बाहर की वो चीज़ वो परचेज करके कोई शरबत है कोई टॉफी है वो ले रहा है क्या आपने देखा कि वो टॉफी जो है अकॉर्डिंग टू हेल्थ के रूल के तहत है नहीं है वो चीज़ हाँ। तो बच्चा वो भी बीमार हो सस्ती गंदी चीजें जो है पी जाता है ये हमारे यहाँ देखिए ना बाहर सब चीजें ब्रांडेड होती हैं बंद है हर चीज छोटी सी मुल्क मलेशिया में गया हूँ पिछले साल गया था मैं 6 महीने पहले तो मैंने देखा बेहतरीन डेवलप हालांकि वो 50 नंबर्स पे आता है डेवलप के 50 नंबर है उसके लेकिन इसके बावजूद इतना डेवलप हो हुआ है बीमार होते हैं हाइजीन की वजह से स्पेशली अच्छा डॉक्टर साहब आप हमें बताइए हमने बात तो सारी की इससे इसका सॉल्यूशन क्या है मतलब ये बीमारियों से बचने का बेसिक जो चीज़ें आप हमें वो बता दें टाइम इख्तिताम पे पहुंचे बिल्कुल सेहतमंद एनवायरनमेंट जरूरी है हम मलेशिया की अगर बात करें पूरे मलेशिया में एक मक्खी मौजूद नहीं है
जी, क्या हम ये स्टैंडर्ड दे सकते हैं पाकिस्तान को? अगर हम, हमारी जाहिर है ये हुकूमत का काम है, फिर लोगों का अपना भी कुछ वो किरदार है इसमें कि वो ख़ुद भी सेहतमंद चीज़ों को तलाश करें, जैसे कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जो सेहत को फौरी तौर से सिर्फ नुकसान पहुँचाती हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं। तो इस चीज़ की तलाश में निकलें कि खालिस चीज़ क्या है, सेहतमंद चीज़ क्या है, और ग़िज़ाओं में हमें क्या खाना है, किस वक्त खाना है, इसका पूरा इल्म आजकल मौजूद है। फ्रूट्स हम खाने के बाद नहीं खा सकते, वो इंतहाई नुकसानदेह है, लेकिन फ्रूट को अगर खाने से पहले खाएंगे वो इंतहाई फ़ायदेमंद है। सही। और डिटॉक्स भी होगा और बॉडी के अंदर जरासीम और उनके लिए माहौल जो है नासाजगार होगा। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का इल्म हासिल करना होगा, इसके लिए हमें डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, हकीम आज़ाद के पास डाइट का बहुत अच्छा इल्म होता है, उनसे राब्ता करना चाहिए, और घर के अंदर वो चीज़ें ना लाई जाएँ जो एक बार आए और बहुत अरसे तक उसके असरात रहें। मसलन जैसे हम बात करते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान में चंद चीज़ें ऐसी हैं जो भी खाएगा, जैसे कि एक पाकिस्तान के हमारे हमदर्द यूनिवर्सिटी के एक डॉक्टर अब्दुल हन्नान साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जो शख्स ऐसी ग़िज़ाएँ खाएगा जो जिस्म के अंदर जाकर सिर्फ माहौल को नासाजगार कर रही हैं बल्कि साजगार कर रही हैं बैक्टीरिया वायरस के लिए, वो बीमार हुए बगैर दुनिया से नहीं जाएगा। इसकी मिसाल फार्मी चिकन, फार्मी अंडा, वो नहीं खानी चाहिए, अनहेल्दी। गाय भैंस को जो इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, वो भैंसें, वो गाय जो खाएगा, उनका जो दूध पिएगा, वो इस दुनिया से किसी मर्ज के बगैर नहीं जाएगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास टाइम बहुत कम है, आप कुछ मैसेज देना चाहें देखने वालों? बिल्कुल, मेरा एक मैसेज तो लोगों के लिए है कि वो जहाँ बहुत सी एहतियातें करते हैं सेहत की, वो सेहत की एहतियात के साथ साथ जो इस्लाम ने हमें एहतियातें बताई हैं, मसलन कुरान हकीम का रोज़ाना पढ़ना, ऐसी एनर्जीज जो नेगेटिव हैं हमारे जिस्म में, जो मनफी असरात रखती हैं, उनको ख़त्म करता है। नमाजों का पढ़ना इन बीमारियों के असरात को ख़त्म करता है। इसका हम साथ साथ एहतमाम रखें। और एक मैसेज मेरा डॉक्टर्स के लिए है कि मरीज़ों की आसानी के लिए, क्योंकि मरीज़ों की कुव्वत खरीद या जो खर्च करने की कुव्वत है पाकिस्तान के मरीज़ों की बहुत कम है। ये मशीनें बहुत महंगी नहीं हैं, मलेशिया से और दूसरी जगहों से ऑनलाइन मौजूद हैं, इनको अपने पास रखें, आने वाले मरीज़ों को खुद डायग्नोस करें कि उन्हें क्या मर्ज़ है। बड़े बड़े टेस्टों में और उनका वक्त भी जाता है, उनका पैसा भी बहुत जाता है। तो मेरा ख्याल है इस वक्त दुनिया इन टेक्नोलॉजीज़ के साथ, दुनिया में से मलेशिया नहीं, पूरी दुनिया के डॉक्टर्स मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ लेके बैठे हैं, और लेबॉरट्रीज़ दुनिया में कम हैं, लेकिन जैसे कराची मैंने बताया कि 1100 लेबॉरट्रीज़ हैं, और मलेशिया पूरे कुआलालंपुर में सिर्फ 11 लेबॉरट्रीज़ हैं, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर्स इन मशीनों के जरिए डायग्नोस करते हैं। इलाज, तो इलाज मुआलजे को आसान बनाया जाए और हर शख्स की रेंज में हो, ऐसा इलाज मुआलजा होना चाहिए। अच्छा इलाज, हम ऐसे ही चाहते हैं, सस्ता और अच्छा इलाज मिले। आप क्या कुछ मैसेज देना चाहें? एक मिनट हमारे पास बचा है जी। मैं ये कहता हूँ कि देखिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये हमारे हुक्मरानों का काम है कि एक हेल्थ पॉलिसी मुरतब करें, हर इलाका वाइज, सेक्टर बेसिस पे, सिटीज बेसिस पे, ये कंट्रोल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये आप कंट्रोल करें, उनके डॉक्टर मुतयन करें, आप उनको बताएं कि कहाँ उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है, उनका चेकअप कराएं। मेडिसिन हमारे पास पैसा भी काफ़ी है, मेडिसिन काफ़ी है, अगर हम थ्रू प्रॉपर चैनल इन सबको यूज़ करें, हमारे यहाँ रेशियो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा बीमारियों का, और हमारे यहाँ हेल्थी माहौल इन्वायरमेंट डेवलप हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आप दोनों की मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आप हमारे पास आज आए और आपने हमें अच्छे से गाइड किया। काफ़ी चीज़ें जो थी मुझे भी पता नहीं थी, वो भी आपने स्कैन भी किया और इलाज भी बताया, आप इलाज जो जनरली लोगों को बताया आपने कॉल्स पर, बहुत बहुत मशहूर हैं हम आपके। नाजरीन तक बुधा कि प्रोग्राम जो एंड तो पोतो यो बुधा नालो कि नेस्ले एवरीडे वारन असान अज प्रोग्राम के तावन कयो या तहां तई पहुंचाण में नेस्ले एवरीडे वारन असान मदद कई हुई ही प्रोग्राम अजो को जो प्रोग्राम है वो पहुंचाण में यो भी बुधा तो तहां मिक्स चाय घर में ठाण चाहो अगर खास मिक्स चाय ठाण चाहो तहां नेस्ले एवरीडे खरीद कर सको था। रेड ब्रांड वारो जो नेस्ले एवरीडे हाँ नव आयो है, रेड ब्रांड वो नेस्ले एवरीडे खरीद कर घर में तहां मिक्स चाय जो खास मिक्स चाय वह ठाओ यो तक बुधा तो नेस्ले एवरीडे वारन हाँ जो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो भी कायम कर चुका वे में वही जो सॉसपेन मिक्स चाय है वो ठाण जो रिकॉर्ड जैमें हजारे कॉप जी के वह अस चाय ठाई है इतने टाइम एक्सटाम तक पहुंतो है। इनशाला जो वीकेंड तुम दुआ है कि ढो सुो जबरदस्त गुजरन मंडे से इनशाला मुलाकात थी नया गेस्ट हों नो कॉन्टेंट हों फीडबैक पाँच से जरूर तुम आगाह कदो इनशाला जबरदस्त किस्म से असा मुलाकात है वह हाँ इनशाला मंडे से थी इतने एंड से टाइम पहुंतो है तक नंबी दुआ दींदी कि खुशाबंद सलामत हो अल्लाह हाफिज। Oh, 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 oh
सुबू जो पकी अखेर माउडरे थो हरी नरी रबखे संभाले निकरे थो हिन सर जमीन सिंध ते जिए सजो भरे थो खुशहाली है हमन चोटे पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम स